यस हेलो एवरी वन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एमवर्डेबल सबको वॉइस क्लियर है ओके यस गुड आफ्टरनून क्या सबको आवाज आ रही है प्रॉपर वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन फास्ट रिप्लाई फास्ट इन चैटबॉक्स ये सभी चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें फास्ट ओके ओके गुड इज गुड आफ्टरनून अमृता प्रिया शुभम गुड आफ्टरनून सो यस द थीम ऑफ टूडे क्लासेज एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स एंड इवन सम ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑफ इनिशिएटिव दैट इज़ रिलेटेड द गवर्नमेंट ओके और वी कैन से जो कि एनवायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है एग्रीकल्चर के डिफरेंट स्कीम्स होते हैं राइट right? चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे हो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पर हो राइट right? इंटरनेशनल ऑल्सो तो जितने भी गवर्नमेंट के हमारे इनिशिएटिव्स है स्कीम्स है बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बेस पे या स्कीम बेस पे ऑथॉरिटी बेस पे बोर्ड बेस पे या कुछ रिपोर्ट बेस पे भी राइट right. तो मिसलिनियसली आज हमारा एक प्रियम से पहले एक लास्ट सेशन है जिसमें कंप्लीटली क्रिस्प नोट्स होगी आपके लिए और क्रिस्प एक कवरेज होगा मतलब शॉर्ट एंड फास्ट कवरेज होगा जिसमें पूरे साल के जितने भी न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे गेटिंग माई पॉइंट सो ये काइंड kind ऑफ of थोड़ा सा फास्ट होगा बट डोंट वरी आपको जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो इसलिए जस्ट हम एक काइंड ऑफ हाईलाइट न्यूज़ के देखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे राइट और आप भी अगर हो सके तो uh, साथ ही साथ क्या करना है आपको कि जो भी मैं न्यूज़ दिखाऊंगा उसके एटलीस्ट हेडलाइन लिखना है फॉर एन एग्जाम्पल जो अभी मैं न्यूज़ शो करूँगा जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये हमारा पहला कुछ हम न्यूज़ देखने वाले हैं राइट तो इसका क्या करना है आपको कि जैसे आपने सिर्फ हेडलाइन डाल दी कि ब्लू फ्लैग क्या है और हल्का सा बस इतना ही लिख दिए है ना मतलब इनिशियली आपको बस इतना ही लिखना है और फिर आगे बढ़ के फिर जैसे मैं कवर करूँगा तो वो बस सुन लो अच्छे से क्योंकि बाद में तो ये नोट्स मिलने ही वाले आपको तो फिर बाद में बस आप नोट्स में इसको रिवाइज कर लेना बट हेडिंग आपके पास लिख के रखो कि हाँ ऐसे ऐसे 2022 में कुछ न्यूज़ थे 22 तेईस में कुछ न्यूज़ थे वो आपको पता होना चाहिए राइट तो एटलीस्ट हेडलाइन तो भी लिख के रखना फिर बाद में जब भी आप रिविज़न करोगे तो ठीक है नोट्स तो आपके पास रहेंगे बट अगर नोट्स उतने फिजिबल नहीं आपके लिए रिविजन करने के लिए सो वॉट यू कैन डू कि एटलीस्ट ये जो आपने हेडलाइट्स पॉइंट लिखे हैं तो वो आप पढ़ सकते हो और चाहो तो गूगल भी कर सकते हो राइट कि कितने ब्लू फ्लैग है अभी के डेट में एक्सेट एक्सेट्रा समझ में आ रहा है तो थोड़ा साइड में ब्लैंक पेज रखो और ब्लैंक पेज पे जितने भी ये न्यूज़ में शो करने वाले हो एटलीस्ट हेडलाइन लिखो या जितना आप रनिंग में कर सकते हो उतना शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो ठीक है so, सो करें फिर स्टार्ट एवरी वन इज़ रेडी फॉर दिस ओके सो बाकी नोट्स कहाँ मिलेंगे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ सर नोट्स सिंपली तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पे जो फाइल सेक्शन है राइट uh, तो यहाँ पे आपको जो नोट्स वगैरह है वो मिल जाएंगे राइट ठीक है बाकी आप अनकेडमी पे भी अपने Uh, जो लेक्चर्स है स्पेशल क्लासेस वगैरह वो फ्री क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो सो लेट्स स्टार्ट आज काफ़ी सारे न्यूज़ हो गए तो हम एक रैपिड कवरेज कर रहे हैं शुरू करते हैं फिर ओके यस एमोर्डेबल एवरी वन एवरी वन यस क्लियर है सबको वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है ठीक सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज इज द रिलेटेड टू ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन शायद आप लोगों ने कई बार इस बारे में पढ़ा भी होगा ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है तो ये कुछ कोस्ट पे जो बीच है तो उनको दिया जाता है इंटरनेशनल एक प्रकार का एक टैग है और ये जो टैग है तो वो यू होगा एंड डेनमार्क बेस्ड एक एन फाउंडेशन है एफ ई फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड आई इनका कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम है याद रखें यू एन ई पी देन यू एन डब्लू टी ओ एफ डब्ल ई एंड आई सो इनका एक कोलाबरेटिवली ये एक प्रोग्राम है एंड जिसमें अगर आप देखोगे तो इनका काम यही है कि जो बीचेस है तो उनको कुछ थर्टी थ्री क्राइटेरियाज में सेट करना और वो क्राइटेरियाज इंटरनेशनल रिकोनाइज इक्वलेबल जो होते हैं थर्टी थ्री क्राइटेरियाज वगैरह सेट करके उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज है तो बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है चार मेजर क्राइटेराज देख लो जैसे एजुकेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन बाथिंग वाटर क्वालिटी होगी या एन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेस ठीक है तो ऐसे फिर करके वो टैक्स दिए जाएंगे बेसिकली वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किया जाएगा अब इससे क्या फ़ायदा होगा तो इससे फायदा यही होगा कि जो इस लोकेशन का टूरिज्म है वो बूस्ट हो सकता है नॉट ओनली द लोकल टूरिज़्म बट ऑल्सो द इंटरनेशनल टूरिज्म बिकॉज जो फॉरन टूरिस्ट है वो देखेंगे कि हाँ ये तो सेफ्टी है और क्लीन बीच है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है राइट right? और काफ़ी सारे यहाँ पे अम्यूनिटीज है सर्विसेज है तो यस yes, वो लोग फॉरनर लोग अगर हम देखेंगे या फॉरेन टूरिस्ट इसको प्रेफर कर सकते हैं ओके सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टैगिंग रिसेंटली क्या हुआ है कि इसमें हैज़ बीन अकॉर्डेड टू न्यू बीचेस मिनी क्वाय थुंडी एक बीच है एंड कटमठ बीच लक्षद्वीप के दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है राइट लास्ट ईयर एंड अभी टोटल नंबर जा चुका है ट्वेल्थ तक तो ऑर्डर टेन कौन सा है देखो लक्षद्वीप के अगर आप दो छोड़ दो मिनी क्वाय थुंडी एंड यस yes, कडमट बीच दिख रहा है सबको यहाँ पे नीचे यस yes. तो मोनिकवाय मिनिकॉय एंड कडमट ये रिसेंटली डिक्लेयर्ड है लक्षद्वीप के दो बीचेस है राइट एंड बाकी फिर दस कौन से मतलब टोटल हमारे पास कितने ट्वेल्व ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीच है तो अदर टेन देख लो गुजरात में शिव शिवराजपुर आता है घोगाला इन दमन दीव कसारगोड इन कर्नाटका पुदुबिद्री बीच इन कर्नाटका ठीक है अब इस पर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन क्या हो सकता है सिंपली चूज द करेक्ट पेयर कसारगोड दे देंगे एंड उसके बाद डैश करके आंध्र वगैरह दे देंगे राइट तो दैट इज़ रॉन्ग पर तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा है मतलब स्टेट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग राइट ठीक है तो याद रखे कप्पड़ एक ही आता है केरला में दो आते हैं कर्नाटक में कसारगोड़ एंड पुदुबिद्री देन गोगाला दमनदीव शिवराजपुर गुजरात एक एक है लगभग आंध्र प्रदेश में एक ऋषिकोंडा नाम से है गोल्डन बीच इन ओडिशा देन आफ्टर दैट अंदमान निकोबार राधा नगर बीच एंड कोवालम तमिलनाडु देन एडन पुदुबित्री राइट तो ये आप ऐसे मैपिंग कर लो और मैपिंग करके भी आप याद रख सकते हो ठीक है जस्ट हैव अ लुक फास्ट इस पर एक बार देख लो एटलस पे ठीक <coughs> दिवा, है शिवराजपुर देन घोगाला दमन दीवा ये दीवाला पार्ट है ठीक है देन पुदुबिद्री एंड कसारगोड़ दो आते हैं कर्नाटक में गोवा का तो अभी फिलहाल नहीं है पप्पड़ एक है महाराष्ट्र में भी नहीं है ठीक है वो देख लेना बाकी अंडर रिव्यू रहेगा बहुत सारे बट अभी तक तो यहाँ पे नहीं है तो एडन है पुदुबिद्री में एंड कोवालम यहाँ पे राधा नगर देन ऋषि इन आंध्र प्रदेश एंड गोल्डन बीचज उड़ीसा है ना तो वेस्ट बंगाल नहीं आता है तो नहीं जो आते हैं वो थोड़ा सा देख लो वेस्ट बंगाल है एंड महाराष्ट्र है राइट ठीक है बाकी लगभग सब सभी जगह पे है ओके ठीक है बाकी ये भी थोड़ा देख लेना ऑन द लाइन ऑफ ब्लू फ्लैग सर्डविशन इंडिया ने भी अपना अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है बीम्स ओके इको लेबल बीम्स सो सेम लाइक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हमारा बीम्स नाम से एक प्रोग्राम आता है बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस सो जो कि आई सी जेड एम इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आता है एंड ये जो लॉन्च किया गया था सीकॉम नाम से एक इंस्टीट्यूट है एंड अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तो इनके अंडर ये आई मतलब इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर ये बीम्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो कि थोड़ा ब्लू फ्लैग जैसा है ब्लू फ्लैग इंडिया वाला ब्लू फ्लैग वर्जन है ठीक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उसमें भी वही है कि मतलब तो जो पोल्यूशन कम करना बीच की फैसिलिटी अच्छी रखनी है ना ये सारे चीज़ें वहाँ पे दिखेगी एंड इट हेल्प इन सेविंग 1100 थाउजेंड मिलियन पर ईयर म्यूनिस्पल वाटर थ्रू द रिसाइकलिंग एजुकेटिंग अराउंड द वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बीच गोर्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द बीच ओके ये सारा हम बीम्स के थ्रू कर रहे हैं तो इंडिया वाली भी स्कीम याद रखो जैसे ये ब्लू फ्लैग है तो इंडिया वाली कौन सी है बीम्स है ओके okay? डन इंडिया की समझ में आई बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेथिक मैनेजमेंट सर्विसेस एवरी वन क्लियर अबाउट दिस बढ़े आगे फिर नेक्स्ट है यस प्लीज़ रिप्लाई इन द चैट बॉक्स है मतलब आप थोड़ा चैटबॉक्स पर एक्टिव रहो ग्रीन प्रोटेक्शन टू अरावली ये शायद हमने पहले भी कवर किया था बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए देख लो एक बार फास्ट तो एज यू नो दैट अरावली को ईवन हम लंग्स ऑफ द दिल्ली कहते हैं बताए है ना सबको अरावली स्टार्ट होती है पालमपुर गुजरात से लेके दिल्ली तक चली जाती है राइट तो यहाँ पे फर्स्ट गुजरात सेकेंड राजस्थान थर्ड हरियाणा तीन स्टेट है और एक यू टी थ्री स्टेट्स एंड वन यू टी इस पर यह पूरी अरावली आती है और अरावली एज यू नो दैट कि ठीक है मतलब राजस्थान में थोड़ा बहुत कंजर्व uh, हो चुका है बट जैसे आप हरियाणा जाओगे एंड दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में इसको रायमोना नाम से जाना जाता है राइट तो इवन यहाँ पे इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ है और जो भी दिल्ली में बचा है तो दैट इज अरावली का ही फॉरेस्ट है इवन इसलिए इसको लंग्स ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है अरावली को तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है इसलिए ग्रीन प्रोटेक्शन टू अरावली एंड ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट नाम से भी एक प्रोजेक्ट हम अफ्रीका को थोड़ा कॉपी करके कर रहे थे है ना अफ्रीका में भी ऐसे ही सवाना के रीजन्स में आ, ग्रेट ग्रीन वॉल नाम से एक प्रोजेक्ट रन किया गया था तो उसी प्रकार से तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया एक्सटेंडेड ग्रीन प्रोटेक्शन टू फॉरेस्ट लैंड इन अरावली रेंज द कोर्ट रूलिंग विल मीन अराउंड थर्टी थाउजेंड हेक्टर अक्रॉस द अरावली एंड शिवालिक इन हरियाणा विल बी कंसिडर फॉल्स ओके okay, जिससे कि फिर तो यहाँ पे जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्शन वगैरह किया जाएगा राइट ठीक है बाकी इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं बस मुझे लगता है देखो अरावली इज इन द न्यूज़ तो अरावली अच्छे से देखो कैसी प्रकार की माउंटेन ही है अरावली कौन से प्रकार की माउंटेन है फास्ट बता दो अरावली कौन से प्रकार की माउंटेन है रायसीना रायसिना सर uh, ये रायसीना बोला था मैंने uh, राए राए हाँ रायसीना नॉट रॉयमोना रायसीना बोल रहा हूँ हाँ तो रायसीना हिल्स मतलब दिल्ली में आता है रायमोना इज डिफरेंट यस yes, किसी ने रायमोना लिखा है तो वो रायमोना अलग है रायसीना अलग है right? राइट हाँ चलो एनी तो अरावली कौन सी प्रकार की है ओल्ड फोल्ड माउंटेन हाँ याद रखें ओल्ड फोल्ड प्रकार की माउंटेन है अंडरस्टूड ठीक है और हाइएस्ट प्लेस ऑन अरावली कौन सी है अरावली पे हाईएस्ट लोकेशन कौन सा है जो कि राजस्थान के अरावली के सदन सेक्शन में आता है यहाँ पे अरावली का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है बताओ फास्ट यहाँ पे आता है देखो चलो फास्ट एवरीवन कौन सा है गुरु शिखर राइट गुरु शिखर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जो कि साउथ की तरफ है राइट right? साउथ की तरफ हाइट ज़्यादा है ना उसकी अरावली की और ब्रॉड भी है देखो तो गुरु शिखर इज़ द हाइस्ट पॉइंट राइट एंड वहीं पर माउंट आबू एक माउंट आबू जो हिल स्टेशन भी आता है याद रखें कि साउथ की तरफ ज़्यादा हाइट है और वहाँ पर ही गुरु शिखर नाम से हाइस्ट पॉइंट है फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे नैरो हो जाता है और स्कैटर्ड हो जाता है और फिर बाद में एकदम हाइट वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती है राइट अरावली की ठीक है चलेगा तो देखो अरावली की टोटल लेंथ है सेवन ट्वेंटी किलोमीटर हिम्मत नगर गुजरात या पालमपुर गुजरात बोल दो तो भी चलेगा पालमपुर गुजरात से लेके दिल्ली तक ये चली जाती है राइट तो so, तीन स्टेट है एक यूटी है एंड हमने देखा है कि ये काफ़ी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है ओके एंड ठीक है बस इतना भी देखा तो भी सफिशियंट है देन आफ्टर दैट गुरु शिखर हाईएस्ट पॉइंट ये दो पॉइंट याद रखो एंड इसको रेसिड्यूअल भी कहा जाता है क्योंकि अभी ये काफ़ी ओल्ड है तो इसका इरोजन होने के बाद जो भी अभी ओल्ड देखोगे तो अभी उतना प्रॉपर फोल्ड माउंटेन यहाँ पे हाइट नहीं रही मतलब ये बहुत थोड़ा ही पार्ट बच चुका है इसलिए इसको शेष माउंटेन कहते हैं या रेसिड्यूअल माउंटेन कहते हैं मतलब शेष मतलब जो बच चुका है उतना ही है ऑट इट यस ठीक है बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि माइनिंग एक्टिविटी बहुत चलती है खेतरी वगैरह रीजन हो गए है ना वो थोड़ा सा देख लेना झुनझुन अलवार तो ये सारे हैं और अरावली के पास एक नेशनल पार्क भी है लोकेटेड नाम बता सकते हो कोई यस अरावली के पास कौन सा नेशनल पार्क आता है यस फास्ट एवरीवन जल्दी चलो अरावली के इधर नॉर्थ की तरफ एक नेशनल पार्क आता है उसका नाम क्या है यस दैट इज सरिस्का है ना तो थोड़ा नॉर्थ टिप पे सरिस्का नेशनल पार्क है राइट ठीक है चलो बस अभी के लिए इतना काफी है नहीं केवला देव घाना तो थोड़ा और ईस्ट की तरफ आएगा राइट सरिस्का याद सरिस सरिस्का और ये टाइगर रिजर्व भी है सरिस्का ठीक चलो एन टीपीसी पॉलिसी तो नेशनल थर्मल पावर प्लांट रिन्यूड बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 और जिसमें उन्होंने कहा है कि फिर हम यहाँ पे जो भी बायोडाइसिटी उसका जो भी कंजर्वेशन है वो भी करेंगे क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स यू नो दैट उससे काफ़ी बायोडासिटी को इम्पैक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव वही रखा उन्होंने कि टू हेल्प कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट टारगेट्स सेट इन द फील्ड नो नेट लॉस ऑफ बायोडाइसिटी वो नहीं होना चाहिए है ना तो ऐसे फिर एन के अंडर ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है मतलब जो पॉलिसीज है वो अगेन अमेंड किया गया है सम ऑफ द पॉलिसीज ठीक है तो एन थोड़ा देख लो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट ओके एंड एन ही आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट इंडिया में सबसे ज्यादा है और थर्मल एनर्जी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है कोल बेस्ड और वो एन उसका हेड रहेगा राइट रहे चलो नेक्स्ट है बायोडा पार्क इन सिरोसमलाई हिल सिरूसमलाई कहाँ पे आता है यस yes. सिरूसमलई कहाँ पे आता है सिरूसमलई हिल रेंज ये ऐसी कुछ न्यूज़ थी तो सिरूसमलई आता है तमिलनाडु में पता है ना सबको यस yes. तो देखो ये है अन्नामलई राइट right? नीलगिरी यहाँ पे ऊपर खत्म होता है नीलगिरी और उसके नीचे पालघाट गैप है फिर अन्ना मलाई है राइट right? और अन्ना मलाई को यहाँ पे सिरूस मलाई नाम से पार्ट हिट होता है राइट right? मतलब ये ईस्टर्न घाट में भी पकड़ सकते आप ईस्टर्न घाट एंड मतलब अन्नामलई वेस्टर्न घाट है और ये फिर सिरूसमलई है ना ऐसे दोनों मिलते हैं फिर अन्नामलाई एंड होता है फिर उसके बाद कार्डमम स्टार्ट होता है पता है ना सबको कार्डमम और कार्डमम में वरुषनाद वरुषनाद नाम से एक रेंज जो है वो मर्ज हो जाती है तो लास्ट कार्डमम एंड वरुषनाद ऐसा पार्ट आता है तो सिरूसमलाई पलानी है ना ये तमिलनाडु के पार्ट है ठीक है बस मुझे लगता है इतना भी याद रखा तो भी काफ़ी है क्योंकि न्यूज रिलेटेड टू तो सिरिसमलाई सिरूसमलाई प्लेसेस इन द न्यूज़ में पूछा जा सकता है जो कि सिरूसमलई कहाँ पे आता है दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है एंड ईस्टर्न घाट का पार्ट है मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ओके तो मलाई हो वरुषनाथ हो पलानी हो ये किसके पार्ट है मलाई वरुषनाथ पलानी ईस्टर्न घाट के अन्नामलाई एंड कार्डमम एंड नीलगिरी है ना या ओरल वेस्टर्न घाट ये वेस्टर्न घाट के पार्ट है राइट right? ठीक है क्लियर यहाँ तक एक्जैक्टली exactly कहाँ पे वो समझ में आ रहा है रेयर एंड एंडेमिक प्लांट्स स्पीसीज यहाँ पे मिल सकते हैं कौन से स्पीसीज यहाँ पे पॉसिबल है बाकी नीलगिरी ताहार वगैरह यहाँ तक भी एक्सटेंडेड है लाइन टेल मकाऊ थोड़ा साउथ की तरफ भी एक्सटेंडेड है है ना उतने भी याद रखें तो भी सफिशेंट बाकी यूनिक लैंडस्केप है एंड ठीक uh, है बस तो इतना भी याद रख लो ठीक है सिरूसमलाई क्लियर है सबको कहाँ पर सिरूसमलाई एवरी वन अंडरस्टूड ओके दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड ईस्टर्न घाट का पार्ट है राइट चलो नेक्स्ट देख लो हाथी मित्र नाम से एक आ, स्कीम थी आगे हम एग्रीकल्चर भी देख रहे हैं आज मैं फास्ट ही कवरेज आगे एग्रीकल्चर की भी काफ़ी सारे न्यूज़ है ठीक है देखो बहुत सारे न्यूज़ आप लोगों से मिस हुए तो सेशन एंड तक सुनो हमें नहीं पता होता है कि कौन सी न्यूज़ कैसे एग्जाम में हिट होगी एंड करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हो तो इसलिए एंड तक बने रहो ठीक है हाथी मित्र फ्रेंड ऑफ एलिफेंट्स नाम से एक छत्तीसगढ़ ने सोल्यूशन निकाला है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में यू you नो know दैट सबसे ज़्यादा डेथ हाथी की वजह से ही होती है राइट तो सिमिलरली फिर उन्होंने हाथी मित्र नाम से एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने इवन इसी प्रकार से और भी आते हैं देखो स्कीम्स ऑपरेशन बी आपने सुना होगा राइट ऑपरेशन बी पता है सबको कि जो बी के बॉक्स रखे तो फिर है ना हाथी उससे दूर रहता है तो ऐसे रेलवे ट्रैक्स के आसपास वो बी के बॉक्स रख के फिर उससे उनसे दूर किया जाएगा ठीक है इसके बारे में आप एक एलिफेंट रिजर्व का मेरा पूरा लेक्चर है वो देख सकते हो ऑल एलिफेंट रिजर्व नाम से प्ले आपको मिल जाएगी वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल कवर किया है कम्प्लीट थर्टी थ्री एलिफेंट रिजर्वस भी कम्प्लीट किए और जितने भी इंडिया में स्कीम्स से रिलेटेड टू एलिफेंट वो वहाँ पे कवर किए तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना ठीक है देन रामगढ़ वीरधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इन द न्यूज़ जो कि फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व था ये मई 2022 की बात है बट जैसे आप जानते हो आपको डेढ़ दो साल का करंट अफेयर्स देखना ही है तो कहाँ पे आता है रामगढ़ विषधारी फास्ट बस इतना देख लो स्टेट देख लो बाकी कुछ नहीं है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि फिफ्टी सेकेंड टाइगर रिजर्व वैसे अभी फिफ्टी थ्री टाइगर रिजर्व है ओके बहुत लोग फिफ्टी फोर बोलेंगे बट फिफ्टी फोर गवर्नमेंट साइट पे अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है है ना डिक्लेयर हुआ है गुरु घासीदास बट अभी तक वो नोटिफाइड जब होगा तो आप फिफ्टी फोर बोल देना अभी के लिए तो फिफ्टी थर्ड कौन है रानीपुर वो आता है यूपी में ओके यहाँ तक ही अभी तक का स्टेटस है एंड फिफ्टी सेकेंड कौन है यस रामगढ़ विजधारी रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जो, जो कि आता है राजस्थान में वॉट इट बाकी राजस्थान में रनथम्बोर सरिस का मुकुंदरा भी है और उसी प्रकार से रामगढ़ विजधारी का ठीक है. है ये आता है बुंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ठीक है

तो ये जरूर देखिए कि रामगढ़ बिजधारी अब देख लेना अराउंड इस लोकेशन के राजस्थान के आसपास है ठीक है चलो इतना काफी है नेक्स्ट है सेवल <coughs> डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड था तो सेवल डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड सुना है कभी रिसेंटली सेवल डिक्लेरेशन वाज एडोप्टेड एट सम समिफ्टींथ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस साउथ कोरिया तो देखो यूपीएससी सिंपल पूछेगा सेवुल डिक्लेशन डैश वुमेन एम्पावरमेंट चाइल्ड एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल अलाइनमेंट ये वो वो क्वाड रिलेटेड है ऐसे कुछ तो भी दे देंगे बट इट इज सिंपली रिलेटेड टू रिस्टोरेशन डिग्रेडेड लैंड बाय ट्वेंटी तो जो भी लैंड डिग्रेड हुआ है 2030 तक उसको क्या करना है उसमें इन्वेस्टमेंट इनटू थ्री करना है ट्रिपल करना है समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट आपको इंटू थ्री करना है दो हजार तीस तक किस लिए कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने की क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का वैसे भी डिकेड चल ही रहा है यूएनपी का राइट कौन सा डिकेड है दो हज़ार बीस से 30 हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं बताओ क्या सेलिब्रेट करते हैं हम 2020 से तीस अभी क्या सेलिब्रेट कर रहे right? हैं सबको इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एज हम सेलिब्रेट कर रहे डिकेड यूएन डिकेड तो उसी का एक पार्ट हम ले सकते क्योंकि वह, वही डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर कर देना तो उसके रिलेटेड ये डिक्लेरेशन आता है ठीक है रहेगा याद सबको सेवल किसके रिलेटेड है पाँच दिन का एक कुछ मीटिंग हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ जो कि यू का पार्ट है ऑब्वियसली तो इनके द्वारा ये अरेंज किया गया था एंड ये एवरी सिक्स ईयर को होता है तो और भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सिर्फ छः साल में एक बार ही होता है ये आ, जो रिस्टोरेशन डिग्रेडेड रिस्टोरेशन के बारे में या बेसिकली वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है ना वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ये कौन अरेंज करता है एफ एंड एव मतलब सिर्फ छः साल में एक ही बार होता है ठीक है एंड जिसमें क्या है फॉरेस्ट रिलेटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक देख लो क्लाइमेट चेंज होगा बाइडा लॉस डेजर्टिवेशन ये सारे चीज़ों पे जो जैसे आप यू देखते हो उससे थोड़ा ऑब्जेक्टिव इसके कॉमन दिख रहे हैं ओके एंड इसमें इमीजिएट नीड बताया उन्होंने ट्रिपल इन्वेस्टमेंट फॉर स्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड बाय ट्वेंटी है ना ये आ सकता है तो तो सेल डिक्लेरेशन का ये मेन थीम है जो मैंने बॉक्स किया है राइट right? ओके okay. बाकी ठीक है बाकी रहने दो तो अब आ ही गए यहां पे तो वो भी देख लो यू क्या है कब हुआ था मीटिंग या यू एन सी सी डी इज वॉट एग्जैक्टली रिसेंटली कॉप फिफ्टीन का इनका आइवरी कोस्ट जो ये साइवरी कोस्ट आता है तो वहां पे अबिजान नाम से एक लोकेशन है वहां पे ही यू का मीटिंग हुआ था राइट इसको कॉफ फिफ्टीन भी बोल सकते हो मतलब पंद्रहवीं मीटिंग थी वॉट इज दिस देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द विदर्वेशन क्या है कहाँ से आया था ये इट इज द आउटकम ऑफ फास्ट नाइनटीन नाइनटी टू में आप जानते हो ना अर्थ समिट हुआ था रिवो समिट उसमें चार आउटकम्स थे राइट तो चार कौन से कौन से थे यू एन एफ ट्रिपल सी एक है राइट देन सी बी डी ए का था ये सब हमने लिया है ऑलरेडी जिनको नहीं पता है वो प्लीज बाद में प्लेलिस्ट में जाके मेरा एक सेशन है 1992 से लेके अब तक का पूरा एक वीडियो है ना वो आप देख सकते हो देन अजेंडा 21 है ना अजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यू एन सी सी डी है ना ये सारे आउटकम 1992 के हर समिट में आए थे तो उसमें से ये जो यू है वही काम करता है कि डिफॉरेस्टेशन या डेजटविशन रोकने के लिए और इसकी मीटिंग हुई थी आइवरी कोस्ट है ना आइवरी कोस्ट कहाँ पे आता है या बिजान वहाँ पे लोकेटेड है बताओ आइवरी कोस्ट वेस्ट ऑफ अफ्रीका याद रखो अफ्रीका का मैप निकालो फास्ट एवरीवन एंड गल्फ ऑफ गिनिया जो है है ना वहां पे देख लेना आईवरी कोस्ट आता है राइट देखा है सबने नाइजीरिया वगैरह के थोड़ा वेस्ट में जाओ मिल जाएगा आपको जरूर देखना प्लीज आलसी मत बनो सामने एटलेस रखो प्लीज जिनको सच में यूपीएससी करनी है जो सच में डेडिकेटेड है तो सामने एटल्स रखो ठीक है अभी जान देख लेना वहाँ पे ये मीटिंग हुआ था 2022 का और वही है कि यहाँ पे की हाईलाइट थे कि वही है डेजर्ट डिजर्टिवेशन लैंड डिग्रेडेशन उस पर काम करो एंड uh, उसके बाद ग्लोबल लैंड आउटलुक उसका सेकेंड एडिशन यहाँ पर कुछ लॉन्च किया गया था एंड फ्लैगशिप पब्लिकेशन है किसका यू का ग्लोबल लैंड आउटलुक ये किसका रिपोर्ट है वही यू एन का तो वो उन्होंने अपना अपना पब्लिकेशन जो भी है वो जारी किया एंड वही है डॉट लैंड रिस्टोरेशन उसी पे ये लोग काम करेंगे एंड इस बार की थीम थोड़ी अच्छी याद रखो ये मेंस में भी काम में आएगी क्योंकि मेंस में आप जब लिखते हो कि यू एन सी दिस थीम तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है लैंड लाइफ लीगसी फ्रॉम स्का टू तो प्रॉस्परिटी और आप जानते हो यू में बैक टू बैक लास्ट तीन चार साल से हर साल वाटर स्कारसिटी या वाटर स्ट्रेस पे क्वेश्चन आए हैं हमने डीएम में भी देखे थे डिजास्टर मैनेजमेंट पानी की समस्या पे हर बार क्वेश्चन दिख रहा है देखो आप दो दो तीन तीन 2020 में तो हाइट हो गई थी पांच क्वेश्चन दिखे थे जीएस वन एंड थ्री में तो थोड़ा है ना वहां पे फिर आप ऐसे थीम्स यूज कर सकते हो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में ठीक है लैंड लाइफ लीगसी फ्रॉम स्कार सिटी टू प्रॉस्पेरिटी वॉट इट ठीक है बाकी डेजर्ट इवेशन वगैरह नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह वो बाद में आप देख लें एंड uh, ठीक है विंड इरोजन वाटर इरोजन यहाँ पे होता रहता है और इंडिया के डेजर्ट इवेशन रोकने के लिए क्या क्या इनिशियेटिव एंड स्कीम्स है यस yes. या पानी को बचाने के लिए लैंड डिग्रेडेशन बचाने के लिए इंडिया के कौन से कौन से स्कीम्स आते हैं सिर्फ फटाफट लिख लो आई डब्ल्यू एम पी देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पी एम के एस वाई आई डब्ल्यू एम पी मतलब इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि तीन स्कीम को एक साथ करके बनाया गया था डी डी पी डेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम डी पी ए पी डॉट पन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड आई डब्ल्यू डी पी इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन तीनों को एक साथ करके हमने दो हजार सात आठ के आसपास आई डब्ल्यू एम पी क्रिएट किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ओके तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है वाटर शेड मैनेजमेंट की स्कीम तो आज हो सके तो वो भी देख लो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये भी ये इंपॉर्टेंट है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन ये किसके अंडर आती है एनए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यून एफ के टारगेट्स इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था एन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसके आठ मिशन में से एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन और इस पर भी यू ने क्वेश्चन पूछ के रखा है तो प्लीज़ आठ मिशन आज देख लो अगर नहीं पता है आपको तो देख लेना क्योंकि हर चीज़ हम क्लास में नहीं कवर कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ कि हाँ ये करना है ये करना है ठीक है क्योंकि हम इस सेशन को बहुत कंप्रेसिव बनाना चाहते हैं राइट तो करोगे इतना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के आठ मिशन देख लो जिसमें से एक मिशन आता है ग्रीन इंडिया मिशन जो कि प्लांटेशन के बारे में है, राइट टेन मिलियन हेक्टर फाइव प्लस फाइव टेन मिलियन हैक्टर अफॉरेस्टेशन हम करना चाहते थे दो तक ठीक है यस उसके बाद देखो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट और रेनफेड एरियाज एंड फोडर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम ऐसे कुछ एक स्कीम आती है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सॉइल हेल्थ कार्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है लास्ट वाली सॉइल हेल्थ कार्ड क्योंकि इससे जो इंडिया में अभी सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इशू बन रहा है वो है फॉल्टो एग्रो प्रैक्टिस उससे लड़ने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है राइट जिसमें वाइज यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड ईवन प्रॉपर माइक्रो इरीगेशन मेथड्स को तो हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और जिससे वाटर भी कंजर्व होगा और सॉइल का भी कंजर्वेशन होगा तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर देखें ठीक है सो आर स्कीम की जो लैंड सॉइल डिग्रेडेशन प्लस वाटर का डिग्रेडेशन बचा सकती है इंडिया की केस में एंड वर्ल्ड केस में हमने देखा यूएनसी इसके रिलेटेड काम करता है ठीक है क्लियर है एवरीवन नाउ नेक्स्ट इज दीड बैंक एट असोला भट्टी सेंचुरी असोला भट्टी किधर आता है फिर तो वहाँ पे सीड बैंक और नेटिव प्लांट स्पीसी अरावली रीजन के पास यहाँ पे सीड बैंक बनाया गया है तो दिल्ली एंड आसपास के देखो फ्यू एस एफर्ट्स एट कलेक्टिंग सीड्स अक्रॉस दिल्ली एंड अदर स्टेट्स तो बताओ असोला भट्टी किधर आता है तो वहाँ पे सीड बैंक कुछ इस्टेब्लिश किया गया था इट इज़ इन दिल्ली हाँ दिल्ली के अरावली रीजन में आता है ये असोला भट्टी याद रखें ओके तो बी एन एच एस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्लस अदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये जॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था एंड असोला भट्टी सेंचुरी के आसपास ये सीड बैंक का भी डेवलप किया है जिसमें डिफरेंट सीड्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे ओके या कंजर्व करने की कोशिश करेंगे है ना अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे ट्रीज के रिलेटेड जो दिल्ली में डिजापियर होते जा रहे हैं वो भी एक अच्छा इनका इनिशिएटिव एंड प्लान इज टू रेज प्रोडक्शन अराउंड टेन लैक्स एपलिंग एवरी ईयर और पूरे इस अरावली के रीजन में फॉरेस्टेशन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे राइट तो इसलिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए सीड बैंक काफी जरूरी होते हैं और ऐसा ही एक सीड बैंक हमारे लद्दाख में भी आता है तो इंडिया हैज एस्टेब्लिश इट्स ओन सीड स्टोरेज फैसिलिटी एट चांगला इन लद्दाख जम्मू कश्मीर अंडरस्टूड पता ना सबको वर्ल्ड yes, में भी एक स्वेलबार्ड जब नॉर्वे का हमने मैपिंग देखा था नॉर्वे में एक स्वेलबार्ड नाम से आइलैंड का एक ग्रुप आता है नॉर्थ की तरफ नॉर्वे में वहाँ पे हमारा देखो आर्टिक रिसर्च सेंटर है नाम क्या है आर्टिक रिसर्च सेंटर का तो वहाँ पे सबसे बड़ी सीड वॉल्ट वर्ल्ड की हमारी नहीं नॉर्वे में है वो डूम्सडे वर्ल्ड भी कहा जाता है जब पूरी दुनिया शायद खत्म हो जाएगी सीड खत्म हो जाएगी तो वो शायद वहां पे हमें सभी प्रकार के आ, मतलब डिफरेंट ट्रीज के प्लांट्स के सीड्स मिल सकते हैं समझ में आ है मतलब जो कि कंजर्व किए जाते, वेरी, जाते हैं वेरी क्रायोस्पेरिक टेम्परेचर पे कंजर्व किए जाते हैं इसलिए सीड वर्ल्ड्स होता है समझ में आ रहा है यस तो हमारा कौन सा है स्वेलबैड के आसपास यस हिमाद्रिया याद रखें हिमाद्री वेरी गुड ठीक है एनी इंडिया में कौन सी है फिर ऐसे ही सीड बैंक चांगला के पास आती है लद्दाख में ओके okay. लद्दाख में याद रखें ओके okay. चलो ठीक है भट्टी फिर समझ में आया किधर आता है सदन दिल्ली रीच के पास है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, आता है. भट्टी सेंचुरी। जहां पे ये बैंक कुछ क्रिएट किया गया है क्लियर इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सरिस राजस्थान में तो आपको सरिस आप करोगे मतलब वही मैंने बताया ना कि अरावली के आसपास सरिसका भी आता है ओके okay. नेक्स्ट सतत इनिशिएटिव शायद हमने पहले भी देखा है सस्टेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत पता है सबको सतत क्या है कि जिसमें हम पाँच हजार सी बी जी कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक क्रिएट करेंगे है ना फाइव थाउजेंड कंप्रेस बायोगैस प्लांट दो हजार पच्चीस तक क्रिएट करेंगे बस इतना ही लिख लो है ना दिस एंड इसका लॉन्ग फॉर्म लिख लो अगर नहीं पता है तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू affordable अफोर्डेबल यस ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन को हम कहीं ना कहीं मतलब गैस बायोगैस वगैरह क्रिएट करके इसको हम अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाएंगे जिससे जो फ्यूल पे हमारा बर्डन है वो कम हो जाएगा राइट क्रूड ऑयल पे बर्डन जो है वो कम हो जाएगा तो 2018 में इसको हमने लॉन्च किया था याद रखें सतत स्कीम तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में थी एंड जिसमें हम वेस्ट एंड बायोमास सोर्स लाइक एग्रीकल्चर रेसिड्यू कैटल डंग, शुगर, प्रेस मड म्यूनसिपल का जो सॉलिड वेस्ट होता है वो सब हम क्या करेंगे बायोगैस में ट्रांसफॉर्म करेंगे ओके बायोगैस इज प्यूरिफाइड टू रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड कंप्रेस बायोगैस एक्सेट्रा है ना एंड विच हैज द मीथेन कंटेंट ऑफ मोर देन नाइन्टी परसेंट ठीक है एनी वेज फिर बाद में हमारा और अभी रिसेंटली एक न्यूज थी कि इंडिया अचीव टेन परसेंट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग पता है ना हमने अभी अचीव किया टेन परसेंट बट हमारा मेन टारगेट क्या अभी इथेनॉल ट्वेंटी ट्वेंटी तक सॉरी इथेनॉल ट्वेंटी परसेंट तक अचीव करना है पेट्रोल एंड डीजल में मतलब ब्लेंडिंग जो होता है वो कब तक 2025 तक पता है ना सबका ई ट्वेंटी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बट अभी के केस में अगर देखोगे तो इंडिया ने ऑगस्ट पंद्रह में राइट आप देख लो अच्छे से तो ऑगस्ट पंद्रह मतलब लास्ट ईयर को हमने टेन परसेंट तक अचीवमेंट अभी तक कर ली है टारगेट हेड ऑफ द स्केड तो प्राइम मिनिस्टर इन्होंने खुद बताया था इंडिया इज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ इथेनॉल आफ्टर मतलब ये भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए तो पहला नंबर है यूएसए का सेकंड आता है ब्राजील ओके थर्ड है ई यू एंड फोर्थ इज चाइना एंड देन फिफ्थ हमारा नंबर लगता है इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का ठीक है इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट ऑइल इम्पोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग नेशन तो ये जो हमें इम्पोर्ट बर्डन है वो कम करना है इसलिए हम सब ये कर रहे हैं इथेनॉल प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं जिससे हमारा इम्पोर्ट बर्डन कम हो जाएगा जितना हम ब्लेन करेंगे उतना क्रूड ऑयल समझ लो ट्वेंटी परसेंट तक हम ब्लेंड करें तो ट्वेंटी परसेंट इम्पोर्ट कम हो रहा है डायरेक्टली समझ में आ रहा है यस तो अब यही है कि इथेनॉल जो भी हम जितना यूज करेंगे वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है और दूसरा है कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो बर्डन रहेगा तो वो भी कम होगा तो इसमें देखो क्रॉप होता है फर्मेंटेशन प्यूरिफिकेशन तो प्रोसेस थोड़ा साइंस एंड टेक में आपके देख लेना ये काफी इंपॉर्टेंट होगी राइट इथेनॉल ब्लेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में यूज करिए एंड फ्यूल स्टेशन पर चला जाएगा ये सारी प्रोसेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है राइट सो so, जिसमें हम देखे रहे हैं कि इंडिया को अभी कितना करना है ये ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक हमें कैचूव करना है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक ट्वेंटी परसेंट ब्लैंडिंग सेविंग अबाउट फिफ्टी थाउजेंड करोड़ लगभग हम अगर ये कर पाए तो हम पचास हजार करोड़ बचा सकते हैं जो हम इंपोर्ट में डाल रहे क्रूड ऑयल के राइट एंड द सेंट्रल हैज अनाउंस एन एडिशनल ड्यूटी ऑफ पर लीटर ऑन अनब्लेंडेड फ्यूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब वो इंसेंटिवाइज करेंगे ब्लैंडिंग को ठीक है एनी वेज तो यहां तक क्लियर है सबको बाकी इथेनॉल प्लांट रिसेंटली और एक uh, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के दिन पीएम मोदी दे डेडिकेट्स 2G इथेनॉल प्लांट इन पानीपत है ना तो देखो ये इंडिया का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रिफाइनरी इन हरियाणा उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उन्होंने हरियाणा में पानीपत में ये पहला प्लांट 2G जी इथेनॉल प्लांट लगाया है ओके एंड सबको पता है ना पानीपत कहा हरियाणा में so वहां पे ये इट विल बुस् इंडिया टू वेल्थ ऑलमोस्ट यूटिलाईजिंग अबाउट टू लाख टन ऑफ राइस स्टॉक अब इसका फायदा क्या होगा बताओ टू around अराउंड थ्री करोड़ लीटर्स ऑफ annually. इससे मतलब आप एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो ना कि इस प्लांट की वजह से जो स्टबल बर्निंग है वो भी कम होगा राइट स्टबल बर्निंग पे भी एक क्योंकि कंपनी तो कोशिश करेगी ना ये कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए तो वो आस के हरियाणा पंजाब से लेके आएंगे और जिससे क्या होगा कि ये जो स्टबल बर्न हो रहा है तो कंपनी के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और उसको इथोनॉल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब दोनों भी फायदे हैं अंडरस्टूड तो ये प्लांट देखो काफी इंपॉर्टेंट है तो अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ऐसे और भी प्लांट बन सकते हैं ठीक है याद रहेगा सबको टू जी इथेनॉल प्लांट ये तो ये पूछ सकते हैं कि वन जी टू जी थ्री जी फोर जी वॉट तो बता सकते हो क्या होता है वन जी टू जी वन जी मतलब क्या होगा कि जहां पे डायरेक्टली आपका एग्री प्रोड्यूस है राइट वन जी मतलब क्या होता है एग्री प्रोड्यूस मतलब जिसमें डायरेक्ट एग्री प्रोड्यूस जैसे आपने डायरेक्टली शुगर केन का यूज किया या आपने व्हीट का यूज़ किया मेज का यूज़ किया राइस का यूज़ किया डायरेक्टली तो उसको हम कहेंगे वन जी मतलब डायरेक्ट एग्री टू डायरेक्ट क्रॉप वहां पे हम यूज़ करेंगे उसको टू जी मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर वेस्ट बेसिकली वेस्ट बेसिकली वेस्ट को वर्ड को याद रखो टू जी मतलब वेस्ट चाहे वो अर्बन वेस्ट हो सॉलिड वेस्ट हो या एग्रीकल्चर वेस्ट हो बट वेस्ट वाला पार्ट होगा तो हम इसको टू जी कहेंगे स्टबल मतलब परली प्रदूषण यस यस अभी अभी क्लियर है सबको वॉइस क्लियर है हाँ तो 2G समझ में आ रहा है सबको 2G मतलब वेस्ट होता है एंड थ्री जी मतलब क्या होगा कि जिसमें हम एल्गे बेस्ड कर सकते हैं ओके एलगे एल्गे बेस्ड रहेगा जिसमें थ्री जी में मतलब इसको काफ़ी टाइम है और एल्गे बेस्ड रहेगा है ना एंड फोर जी में क्या होता है पायरोलिसिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होगी कि जिसमें हम क्या करेंगे कि काइंड uh, ऑफ kind of जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं ना कि जिसमें uh, हम एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी टू डायरेक्टली फ्यूएल ऐसा कुछ सोल्यूशन लेके आ जाए तो उसको हम क्या ले सकते हैं फोर में ले सकते हैं राइट तो ये सारे एक बार देख लेना है ना वन जी टू जी क्या है अच्छे से देख लो अभी के लिए हम सिर्फ वेस्ट पे काम करते हैं क्योंकि डिरेक्टली तो अलाउ नहीं कर सकते राइट तो इंडिया राइट नाउ वर्किंग ऑन 2G जी मॉडल ओके तो समझ में आया सबको कि जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है हम उसको खत्म करके फिर यूज करके एनी वेज नेक्स्ट है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन एक चला था कुछ दिस कैंपेन इंक्लूड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस याद रखें अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है एंड इवन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है देन नेशनल सर्विस स्कीम्स इंडियन कोस्ट गार्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काफ़ी सारे लोग इसमें हैं और ये कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था सेव सीफ सी कैंपेन तो सेवनटी फाइव डेज सिटीजन लेड कैंपेन था फॉर इम्प्रूविंग ओशन हेल्थ स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम से ही समझ में आ रहा है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं आप सीधा याद रख सकते हो कि ये किसके रिलेटेड ओके कंज्यूम रिस्पॉन्सिबिली सेपरेट वेस्ट एट होम डिस्पोज रिस्पॉन्सिबिली है ना ये सारे उन्होंने मैसेज दिए हैं एंड एक इको मित्रम नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया है कि जो अवेयरनेस सेंड करेगा अबाउट बीच क्लीनिंग एक्टिविटी इको मित्रम है ना जिसका पर्पज क्या है बीच क्लीनिंग एक्टिविटी रिलेटेड यस अवेयरनेस तो याद रखे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ऐसे कुछ स्कीम सिर्फ मिनिस्ट्री मतलब मल्टीपल मिनिस्ट्री है देखो अर्थ साइंस भी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है एनडीए में है इंडियन कोस्ट गार्ड है एनडीए में सॉरी एन भी रहेगा इसमें रहे क्लियर है बाकी फिर वर्ल्ड में कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन पे इंडिया सिग्नेटरी है ऐसा ही मतलब जो वर्ल्ड लेवल में आता है इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है बाकी तो चलो ठीक है बाकी कंसिडरिंग डेंजर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वो हम आगे देखने वाले कुछ है और ऐसे ही ओशन रिलेटेड वर्ल्ड में कंजर्वेशन रिलेटेड कौन सी डिक्लेशन है रिसेंटली जो अभी 198 ने नाइनटी एट है एक डिक्लेरेशन लिस्बन डिक्लेरेशन पता है लास्ट जुलाई की बात है लिस्बन डिक्लेशन ये किसके रिलेटेड आता है ओशन कंजर्वेशन समझ में आया लिस्बन कहाँ पे लोकेटेड है बताओ वेयर इज द लिस्बन लोकेटेड बताओ चलो फास्ट लिस्बन कहाँ पे लोकेटेड है यस इट इज द कैपिटल ऑफ इट इज कैपिटल ऑफ यस इट इज कैपिटल ऑफ पोर्तुगल ना? Exactly. ठीक है गुड ठीक है तो उन्होंने वही बताया कि हाँ न्यूट्रिय पोल्यूशन बाकी है सही है कि आ, जो ओशन पोल्यूशन है वो कम करना दैट इज ऑल नथिंग एल्स तो याद रखें बस लिस्बन डिक्लेशन इज रिलेटेड टू ओशन कंजर्वेशन बस ओके okay? ठीक है नेक्स्ट है इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो 100 मेगावैट नाउ फुल्ली ऑपरेशनल कौन सा आता है फिर तेलंगाना में आता है कौन सा नाम क्या है कीमान सॉरी रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ठीक है तो देख लो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट्स काइन इन इंडिया 20 मेगावाट ऑफ द 100 मेगावाट जो भी था वो हुआ था ना बट अभी ये 100 मेगावाट तक ऑपरेशनल होने वाला है तो क्या नाम है उसका रामागुंडम इधर आता है तेलंगाना में ठीक है बाकी क्या होता है फ्लोटिंग वगैरह आप जानते हैं ना ऐसे वाटर बॉडीज़ पे जैसे सोलर पैनल्स डाले जाएंगे जिससे दो पर्पज़ सॉल्व हो गए कि जिसमें ये जो इवाप्रेशन से ना लॉसेस uh, हो गए वाटर के वो भी रोके जाएंगे और आपका सोलर प्रोडक्शन भी हो जाएगा ओके सो बेनिफिट ऑफ दिस तो याद रहेगा वही देख लेना कि कौन सा है सबसे बड़ा इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रामागुंडम तेलंगना दैट इज ऑल ठीक है नेक्स्ट देख लो कार्बन uh, बॉम्ब क्या होता है बता सकता है व्हाट इज द कार्बन बॉम्ब एवरीवन कार्बन बॉम्ब क्या होता है बस इसकी डेफिनेशन देख लो ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं व्हाट इज कार्बन बॉम्ब एंड व्हाई वांट देम टू डिफ्यूज मतलब ये डिफ्यूज करना जरूरी है यस yes. तो कार्बन बॉम्ब मतलब देख लेना इट इज एन ऑयल और गैस प्रोजेक्ट दैट विल रिजल्ट इन एटलीस्ट वन बिलियन टन ऑफ सीओ उसके लाइफ टाइम में वन बिलियन टन ऑफ सीओ टू जो अपने पूरे लाइफ टाइम में इमिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कार्बन बॉम्ब्स तो वर्ल्ड में ऐसे 195 प्रोजेक्ट्स मिले हैं यूएस रशिया एंड अदर कंट्रीज में तो वो हमें डिफ्यूज करने ज़रूरी है वही यहाँ पे बताया गया तो मुझे लगता है बस डेफिनेशन याद रखो वन बिलियन टन ऑफ यस वन बिलियन टन ऑफ सीओ yes, टू जो इमिट करते अपने लाइफ टाइम में इसके रिलेटेड एक स्कीम बताओ जो कॉप ट्वेंटी सेवन में ऐसे ही टारगेट किया गया था कि जो आ, इंडस्ट्री लेवल पे हम जिसको कम करेंगे इंडस्ट्री लेवल पे कौन सा प्रोग्राम है इस इंडस्ट्री लेवल पे जिसको हम क्या करेंगे इंडस्ट्री एक, एक इंडस्ट्री को टारगेट करके उसको कार्बन न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे ऐसा इंडिया एंड स्वीडन इंडिया एंड स्वीडन का एक इनिशियेटिव है बताओ कौन सा इनिशियेटिव है कॉप ट्वेंटी सेवन में प्लीज कॉप ट्वेंटी सेवन का लेक्चर देख के जाना यूट्यूब के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है एग्जाम से पहले गलती से भी मत भूलना ठीक है तो कौन सा आता है इंडिया एंड स्वीडन का इनिशियेटिव है जो इंडस्ट्री लेवल पर टारगेट करके सूट इमिशन कम करवाएगा यस वेरी नाइस वेरी नाइस अंजलि दैट इज लेड इट लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन लेडिट नाम हेल्थ ये हमेशा मतलब काफी फेमस है ये रिपोर्ट. और ऐसे जब कोई रिपोर्ट हमेशा इंडिया को टारगेट करता है तो वो तो और भी ज्यादा टॉप एयर पोल्यूशन डेथ इन 19, मतलब दो हज़ार उन्नीस में मतलब वैसे तो ये मे का आर्टिकल मतलब लास्ट ईयर का ये आर्टिकल है एक साल का ही मतलब अभी रिसेंट वाला ही है तो ग्लोबल एयर पोल्यूशन अलोन कंट्रीब्यूट्स कॉन्ट्रीब्यूटी सिक्स लैक डेथ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच अपडेट्स प्रीवियस एनालिसिस फ्रॉम फिफ्टीन समथिंग मतलब तो वो क्या बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड सिक्सटी सिक्स लोग की डेथ ऑलमोस्ट कुछ चार पाँच साल में यहाँ पे हो चुकी है वर्ल्ड में राइट एंड इसमें इंडिया भी वन ऑफ द टॉप में आता है ठीक है समझ में आ रहा है एंड इट इज पब्लिश बाय दिस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय पब्लिश्ड इन द लैंस प्लानी हेल्थ समथिंग यहाँ पे ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था और इसमें हाईलाइट ये किया गया कि लगभग वर्ल्ड में दो के बाद अगर आप देखोगे सिक्सटी लाख ,00 लोगों की डेथ हुई है एंड ओवरऑल पोल्यूशन वॉज रिस्पांसिबल फॉर एस्टिमेटेड नाइन्टी लाख डेथ इन 2019 समथिंग मतलब तो ऐसे नंबर कुछ अलग अलग दिए एम्बेंट एयर पोल्यूशन वाज रिस्पांसिबल फॉर 45 फाइव लैख डेथ हजार डज केमिकल पोलूटन ऐसे कुछ डेटाज है ठीक है याद नहीं रखना आप इसको समझ लो समझने की कोशिश करो और उन्होंने बताया कि इंडिया में सिक्सटीन लाख मतलब सोलह लाख डेथ हो चुके हैं दो में एंड पूरे जो कि हमारे जितने भी डेथ है कंट्री के उसका सेवनटीन मतलब लगभग ट्वेंटी डेथ सिर्फ किससे होती है एयर पोल्यूशन से मतलब ये साइलेंट डेथ हम बोल सकते हैं है ना एक प्रकार से साइलेंट डेथ यहाँ पे हो रही है और इस पर हमें बिल्कुल काम करना होगा राइट तो वही इसमें बताया गया तो इसलिए गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स लिखो कि जो भी इसमें मदद कर सकते हैं ठीक नेक्स्ट है केरला एंडोसल्फान ट्रेजिडी एंडोसल्फान अगेन पोल्यूटेंट जब न्यूज़ में होते तो पूछा जा सकता है एंडोसल्फान क्या है बताओ इट इज़ अ पेस्टिसाइड वॉज यूज वाइडली

पार्ट ऑफ राइट ऑफ राइट टू लाइफ है ना वो कहाँ पे अफेक्ट हुआ था क्योंकि इन लोगों को देखा ना आपने कि अलग अलग डिसीज़ यहाँ पे हो सकते हैं एंडोसल्फन की वजह से और इवन यू ने भी इस पर बैन डाला था एंडोसल्फन इज अ ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड दैट वाइडली यूज इज़ अ हाईली टॉक्जिक एन्वायरमेंटल पोल्यूटन लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट करता है एंड यू इसको पी भी कहता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक परसिस्टेंट टॉक्सिक राइट ठीक है तो ये सबसे डेंजरस है एंडोसल्फान याद रखें इट इज अ पेस्टिसाइड ये नेचुरली मिलता है क्या डेफिनेटली नॉट ब्राउन कलर्ड सॉलिड क्रिस्टल फ्लेक्स इसमें होता है एंड डिस्टिंग ऑर्डर सिमिलर टू टर्पेंटाइन डज नॉट बर्न इट इज सोल्ड एज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म सेम केमिकल रेफर एज अल्फा एंड बीटा इंडोसल्फान इंडोसल्फान वॉज द चीपेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड वॉज फ्रेंडली टू पॉलिनीटर्स ऑल्सो ओके तो इट इज यूज फॉर कंट्रोल वाइट फ्लाइज एम्फाइड्स बिटल्स वर्म्स हैं ना उसके रिलेटेड ये यूज़ किया जाता था एज अ पेस्टिसाइड यू नो दैट एंड इससे देखो डेंजरस इम्पैक्ट क्या है न्यूरो टॉक्सिसिटी लेट सेक्शुअल मैच्योरिटी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ पॉइजनिंग हो सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है न्यू बोर्न चेजे न्यूबोर्न जो बेबीज़ है उनमें डिफॉर्मिटीज़ रह सकती है हेल्थ कॉम्प्लीकेशन लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एग्रोकेमिकल्स तो मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रकार के मेंटल रिटार्डनेस मतलब सभी प्रकार के डिसीज देखो इसमें डेंजरस डिसीजेस होते हैं इसलिए इंडिया ने इसको बैन तो किया था मतलब नो डाउट ओके समझ में आ रहा है सबको बाकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो होते ही इसमें फिश वगैरह में बायो एक्मलेशन हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए ये स्टे कर सकता है ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ तक तो इंडिया ने क्या स्टैंड लिया था तो इंडस्ट्रियल टॉक्जोलॉजिकल रिसर्च सेंटर तो उन्होंने तो एक्सट्रीमली हजार्डस बोला है सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया था इसको प्रोडक्शन को बट अभी जो इलीगली मिल गया तो फिर ऐसे एक्शन लिए जाते हैं 2012 में देखो हमने एक इनिशिएटिव लिया था थ्रेट ऑफ एंडोसलफान लीक्स फ्रॉम ओल्ड गोडाउंस ट्रांसफॉर्म टू अ न्यू गोडाउंस थ्रू द स्कीम कॉल्ड ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग उसके रिलेटेड एक था ना वो भी आप थोड़ा देख लेना ठीक है एनी चलो नेक्स्ट है ये सीओम ब्रिज कहाँ पर आता है जो कि 100 मीटर लॉन्ग अरुणाचल प्रदेश में देखो इनाग्रेट किया गया था पता है ना सबको बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रोजेक्ट के अंडर किया गया था ये यस पता है ना सबको जस्ट बेटा एक मिनट आते बताओ ये कहाँ पे आता है ये अरुणाचल प्रदेश राइट और रिवर कौन सी है सियोम रिवर ही है सियाम डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है और यस uh, yes, देख लो यहाँ पे कि इससे मोर एक्सेस मिलेगा हमें जो कि बॉर्डर uh, का पार्ट रहेगा अरुणाचल एंड चाइना के बिटवीन जो बॉर्डर है तो वहाँ पे राइट right? अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये है अलॉन्ग यंग या क्योंग uh, रोड 100 मीटर क्लास 17 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर है ना ये स्टील आर्क का ऐसा कुछ सुपर स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसको रिसेंटली है ना इनाग्रेट किया गया था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है द अलॉन्ग दिस पार्ट एल पार्ट ओके तो वही हमारी मूवमेंट परफेक्ट हो सकती है तो यहाँ पर सियांग रीजन है देखो एंड यहीं पर वो सियांग सियांग नाम से एक रिवर है जो कि बाद में देहांग को जाके मिलती है उसी पर ब्रिज बनाया गया right? है राइट और ये कौन सा प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट ब्रह्मांक एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोजेक्ट है ना तो उसका एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ब्रह्मांक उसके अंडर ये इनाग्रेट किया गया था राइट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पता है ना सबको इवन रिसेंटली उन्होंने 2021 में वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड रोड हाईएस्ट हाई अल्टीट्यूड रोड बनाया था उमलिंगला के पास कहाँ पर आता है उमलिंगला नियर बाय एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल राइट मतलब वही लद्दाख में ठीक है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था नवंबर 21 की बात है तो इस चीज़ को ज़रूर देखिए कहाँ पे है ये उमलिंगला उसको अच्छे से देख लो राइट एल के आसपास आता है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था बाकी जो भी अदर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हिमांक विजयक लद्दाख में जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसको हिमांक विजय कैसे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन कुछ मतलब टीम होती है बेसिकली इनकी तो वो टीम्स यहाँ पे काम करती है संपर्क एंड बीकन जम्मू कश्मीर में अंदमान निकोबार में हिरक नाम से होता है है ना एंड जैसे ब्रह्मांक हमने देखा वो अंद सॉरी अरुणाचल प्रदेश में राइट वो ब्रह्मांक है दीपक नाम से अगर होगा तो फिर मतलब प्रोजेक्ट आ, दीपक या फिर टीम दीपक नाम से भी आप देखो हिमाचल में आती है उत्तराखंड में टीम शिवालिक जिसने आपने देखा होगा ना अभी रिसेंटली क्या बनाया है टीम शिवालिक के अंडर या प्रोजेक्ट शिवालिक के अंडर चारधाम परियोजना तो है सबको चारधाम योजना ओके okay. ये भी जरूर देखे कि जो पूरे लैंड या रोड के रूट्स बढ़ाए थे या गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ है ना इन इनका इंटरलिंकिंग लिंकिंग बढ़ाया था सो देट स्कीम बाकी हिमाचल ऐसा नहीं कि मतलब ये टीम यहाँ पे काम करेगी ऐसा कुछ नहीं रहता है ना हिमाचल में भी अभी वो अटल टनल बना था तो अटल टनल भी प्रोजेक्ट शिवाली के अंडर बनाया गया था तो दैट इज द थिंग ओके राजस्थान के भी बॉर्डर के रोड से तो वो चेतक प्रोजेक्ट चेतक के अंडर भी बन जाते हैं ठीक है एनी नेक्स्ट न्यूज़ है तो सिक्सटी परसेंट ऑफ ई वेस्ट रीसाइकिल बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओके तो ई e वेस्ट पे भी यू पी एस सी ने क्वेश्चन पूछा है लास्ट दो तीन साल में और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि नए रूल्स के अंडर कि इस सिक्सटी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जो है तो कलेक्ट करके रिसाइकिल करेंगे बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फाइव तक ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव तक सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट ऐसा कुछ किया हमने रिसाइकल को जमा किया जाएगा 60, 70, 80 ऐसे याद रखो 23, 24, 25 रिकलेक्शन एंड रिलेटेड तो कौन सा इंडिया में ऐसा कोई रूल है यस ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ना हमारे पास 2016 से है राइट एंड इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक फॉर सेग्रीगेटिंग प्रोसेस एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द हाउस होल्ड कमर्शियल यूनिट विज सेटअप इन भोपाल एम ठीक है तो इंडिया वैसे भी मतलब यस एक रूल है हमारा कौन सा रूल है देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इसमें बताओ कौन सा फैक्टर रहेगा ई रहता है या फिर सोर्स सेग्रीगेशन क्या रहेगा कौन से मॉडल पर यह वर्क करता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोर्स सेग्रीगेशन ई वेस्ट रूल्स तो देखो सोर्स सेग्रीगेशन मतलब क्या है कि सोर्स पे सेग्रीगेट करना ना अब इसका सेग्रीगेशन हम थोड़ी करेंगे अगर ये लैपटॉप में यूज कर रहे हो या आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो तो आप क्या सेग्रीगेट करके दोगे ना या आप निकालोगे कि कॉपर की वायर ये वायर वो वायर है ना वैसा नहीं होता है तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है ई e वेस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मोबाइल कंपनीज है या ए सी होगा रेफ्रिजरेटर होगा है ना इन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये फर्स्ट टाइम द रूल्स ब्रॉट अंडर द प्रोड्यूसर अंडर दी आर फैक्टर अलॉन्ग टारगेट्स है ना इस बार ये चेंज हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है अब हमने जो नए रूल्स है ई वेस्ट रिलेटेड दो हजार बाईस में आए थे उसमें हमने प्रोड्यूसर पे रिस्पॉन्स डाली और उन पर टारगेट भी रखे अगर नहीं कर पाओगे तो आपको एनवायरमेंटल कंपेंसेशन लगेगा ओके okay? ठीक है तो ऐसे कुछ ट्वेंटी वन प्रोडक्ट्स है जो इसके परव्यू के अंडर आते हैं इट इंक्लूड्स कॉम्पैक्ट फ्लोरेसन लैम्प्स एंड अदर मर्क्यूरी कंटेनिंग लैम्प ऑल्सो जिससे वो एनवायरमेंट में अगर ऑर्फन हो जाते या वैसे ही एनवायरमेंट में मतलब डिग्रेड हो गए तो फिर पोल्यूशन बढ़ेगा इसलिए इसको हम रीकलेक्ट रीसाइकल करना बहुत जरूरी है तो ई वेस्ट के रूल ज़रूर देखें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है ठीक है समझ में आ रहा है सबको बाकी तो कलेक्शन वगैरह की चैनलाइज करने की ड्यूटी तो अर्बन लोकल बॉडीज़ की है बट जो रिस्पांसिबिलिटी है तो वो तो ईपीआर मतलब एक्स प्रोड्यूसर की रिस्पांसिबिलिटी होगी पेनल्टी फॉर वायलेशन रूल हैज़ बीन आल्सो इंट्रोड्यूस है ना बाकी पेनल्टीज वगैरह लग सकते हैं बाकी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी थोड़ा देख लो अभी नए चेंजेस है इसमें भी जिसमें भी इसमें भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंपनीज उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है और अभी हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी बैन किया है मल्टी लेयर प्लास्टिक को बैन किया है राइट सिंगल यूज होगा या मल्टी लेयर प्लास्टिक होगा इनको हमने बैन करके रखा एंड थिकनेस भी हम फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव टू वन ट्वेंटी माइक्रोन तक हम लेके गए हैं राइट जो 2018 में फिफ दो के इसमें हमने देखी 50 माइक्रोन था फिर हमने अभी 2021 के रूल्स में 75 फाइव टू वन माइक्रोन तक हम थिकनेस बढ़ाएंगे जिससे यूज़ मे बी री में आ सकता है और ओवरऑल प्लास्टिक यूज़ भी थोड़ा कम हो जाएगा तो ये थिकनेस देखो सेवेंटी फाइव एंड वन ट्वेंटी उसके बाद ये कैटेगराइजेशन किया है कैटेगरी वन में रिजिड प्लास्टिक जो कि अच्छा रिसाइकल हो सकता है कैटेगरी टू में फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है ठीक है मोर देन वन लेयर विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक उसको फ्लेक्सिबल कहेंगे बट प्लास्टिक ही रहेगा बट मोर देन डिफरेंट लेयर अब कैटेगरी टू एंड थ्री में क्या फ़र्क है ये मल्टी लेयर प्लास्टिक है जिसमें एक प्लास्टिक का लेयर होगा और बाकी अदर देन प्लास्टिक कोई भी हो सकता है जैसे टेट्रा पैक्स वगैरह होता है जिसमें वो बक्से जैसा होता है ना वो पेपर जैसा होता है वो पेपर टाइप में भी और अंदर से प्लास्टिक भी है लाइक दिस तो वो ये डेंजरस है ना तो ये रिसाइकल नहीं होता उतना प्रॉपरली तो इसलिए कैटेगरी थ्री इज नॉट गुड डेफिनेटली कैटेगरी फोर देखोगे तो प्लास्टिक शीट्स जो पैकेजिंग वाले आप आप आपके आपके प्लास्टिक होते हैं हो, वो कैटेगरी फोर में आता है तो यस यूपीएससी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैटेगरी वन में क्या है टू में क्या है थ्री में क्या है फोर में क्या है तो वन याद रखिए रिजिड है सेकेंड फ्लेक्जिबल है जिसमें प्लास्टिक ही होता है थ्री में प्लास्टिक प्लस अदर देन प्लास्टिक भी कुछ होता है मल्टी लेयर होता है एंड कैटेगरी फोर में प्लास्टिक शीट मतलब पैकेजिंग वाला प्लास्टिक होता है राइट ठीक है याद रहेगा सबको प्लास्टिक में क्या है ओके ओके नेक्स्ट स्टेप, ये सीमिशन गैप रिपोर्ट पता है सबको व्हाट इज इमिशन गैप रिपोर्ट ये सिक्स अदर नेशन टॉप प्री कोविड लेवल एक्सेट्रा कुछ आया था यूएनपी निकालता है देखो जो भी गैप वर्ड आएगा एडप्शन गैप रिपोर्ट इमिशन गैप रिपोर्ट है ना तो गैप वर्ड है मतलब क्या यू यूएनपी का रिपोर्ट है याद रखे ना ऐसा मैंने ट्रिक भी बताया था आपको पहले भी इमिशन गैप रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट जो कि एक हमें ऐसा डेटा प्रोवाइड करता है कि जो आपने क्लाइमेट चेंज के टारगेट रखे 2030 तक आपको जो पेरिस एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना है 2015 से 30 के बीच में ओके okay? तो वो पेरिस के जो टारगेट्स है आपके जो 2030 तक आपको अचीव करना है तो वो टारगेट अचीव करने के लिए आपका जो भी एफर्ट्स है ठीक है और जो भी आपने एंटिसिपेट किया उसके लिए आप जो भी काम कर रहे हो वो कितना शॉर्ट है मतलब आप जैसे यूपीएससी करना चाह रहे हो आई एस तो निकालना है बट आप सिर्फ दो घंटे पढ़ रहे हो जहाँ पे पाँच दस घंटे पढ़ने की दस घंटे तो भी मिनिमम पढ़ने की जरूरत है सो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ तो फिर आपका टारगेट शायद हो सकता है अचीव बट जो आपका रिक्वायर्ड ईयर है तब नहीं होगा समझ में आ रहा है भैया अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आप सोच रहे हो कि 24-25 में तो शायद तब हो जाएगा फिर तो वही है कि हम 2030 के लिए जो टारगेट रखे तो वो कितना अचीव हो सकता है एंटिसिपेटेड टारगेट है ना जो भी अलग अलग टारगेट है देखो पैरिस के अंडर हमने पंचामृत रखे हो गए या फिर जो हमें टेम्परेचर राइज वन टू या टू डिग्री सेल्सियस तक जो हमें लिमिट करना है राइज ये सारी जो भी फैक्टर्स है तो वो अचीव करने के लिए कितना गैप है तो ये रिपोर्ट निकालता है इमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है यू मतलब एक रियलिटी बताता है आपको नथिंग एल्स याद रखिए ठीक है यूनिपी का हेड क्वार्टर कहाँ पे आता है नेहरू भी के नूनिपी ये नाइनटीन के स्टॉक होम कन्वेंशन के बाद यू आया था यू नो दैट है ना और यही डे हम पाँच जून हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एंड इसलिए मैं यूनिपी बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर इसको कितने साल कम्प्लीट हुए यूनिपी को पचास साल फिफ्टी ईयर्स कम्प्लीट किया उन्होंने शायद यूनिपी पे कुछ क्वेश्चन बन सकता ये है एंड यह एनवायरमेंट रिलेटेड एक एपिक्स बॉडी है इट क्लियर है चलो एक थोड़ा फॉर चेंज एक क्वेश्चन देख लो इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट इसका आंसर क्या है एक्यूआई में क्या रहता है मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकलीस्ट फास्ट yes. वन ठीक है यस गुड आंसर विल बी एक्वा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या होता है कार्बन yes, डाइऑक्साइड नहीं रहेगा ना वही तो एलिमिनेट करना था बस खत्म एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब हमारे हेल्थ के लिए सबसे डेंजरस कौन से वो वाले पकड़ देना हम टू थ्री फोर इज द परफेक्ट ऑप्शन सी टू एंड मिथेन इज ग्लोबल वार्मिंग सब्सटेंसेस राइट आंसर विल बी बी एलिमिनेशन करना था सीधा क्योंकि सीओ वगैरह उतने भी ज़्यादा नहीं कि जो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करे ए में कौन से होते हैं जो हेल्प पे इम्पैक्ट करते हैं और वो कौन से कौन से पीएम टेन लिख के लो जिनको नहीं पता है आठ आते हैं टोटल पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव राइटस ऑक्साइड ओजोन कार्बन मोनाक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया एंड लेड ओके okay. टोटल आठ पोलुटेंट्स है कि जो इसमें आते हैं बराबर लिखा है सबने पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन कार्बन मोनॉक्साइड सल्फर डॉक्साइड मीथेन नहीं है वो अमोनिया एन एच थ्री है नॉट सी एच फोर एंड लेड ठीक है इसके बाद गलत मत करना एक क्यू आर याद रखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए चलो ये बताओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी हम कवरेज देखेंगे सी ए क्यू एम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये बहुत न्यूज़ में रहा है कुछ लास्ट पाँच छः महीनों में इसका क्या आंसर होगा यस आंसर विल बी इट इज हेडेड दिया है ओके okay, तो पढ़ो स्टैचुटरी बॉडी है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज इट्स बिल्कुल सही है क्योंकि एक्ट के द्वारा ही आती है एंड यस yes, इनका एक स्पेसिफिकली डिफरेंट एक्ट है वो हम आगे देखेंगे तो येस इट इज स्टैचुटरी बॉडी जो कि ई को रिप्लेस कर चुकी है एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को राइट right? ये पहले ईपीसीए हुआ करता था जो कि दिल्ली में जब बहुत पोल्यूशन बढ़ता है तो ग्रैप एक्टिवेट करते थे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तो उसको रिप्लेस करके अभी आ, मतलब बेसिकली ई को रिप्लेस करके अब सी ए क्यू एम आ चुका है ओके एंड सी ए क्यूएम इज अ चेयर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉट बाय सम सेक्रेटरी एक्सेट्रा राइट और यहाँ पे क्या दिया मिनिस्ट्री दिया है तो मिनिस्ट्री का कोई यहाँ पे इतना संबंध नहीं एनी वेज ये हम आगे देखेंगे डोंट वरी नेक्स्ट एसिलोफिना क्या है बताओ एक्सिलोफिनक ऑन कैटल टू सेव वल्चर डिमांड ऑफ वेटररी रिसर्चर्स तो व्हाट इज दिस बताओ एंड इवन डाइक्लोफिनक है और भी काफी सारे हैं यस एक्सिलोफिलैक क्या है बताओ देखो 50 फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ ड्रॉप देखा गया है वल्चर पॉपुलेशन सिंह 2003 40,000 थे हमारे पास पहले वर्ल्चर वगैरह अब देख लो बहुत कम हो चुके हैं अठारह तक ही बचा है द फैटल फोर कहा जाता है जिसको डाइक्लोफेनैक एसिलोफ्लिनैक निमेसुलाइड एंड केटोप्रोफेन इनको बोलते हैं फैटल फोर ये फैटल फोर भी याद रखो कि डाइक्लोफिनक है एसिलोफ्लिनक निमेसुलाइड एंड केटोप्रोफेन तो ये सब डेंजरस है जो बायोक्यूमुलेशन होते हैं एंड जिससे इन वल्चर की डेथ हुई इट इज अ नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है हा यहाँ पे दे देंगे कि ये पेस्टिसाइड है या कुछ फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं तो एसिलोफिलनेैक इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और ये वाइडली यूज होता है टू तो ट्रीट एक्यूट एंड क्रोनिक पेन पेन किलर जैसा एनिमल्स में जैसे वाटर बफेलोज हो गए एंड डोमेस्टिक कैटल्स हो गए है ना इन पे और फिर बाद में जब इनकी डेथ होती है तो इनमें जो एसिलोफिलनेैक कंटेंट है तो वो इन वल्चर्स में चला जाता है और फिर वल्चर्स की डेथ हो जाती है राइट तो इसलिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बी एन एच एस एंड डिफरेंट वल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिटर्न टू डी जी सी आई डिमांडिंग अ बैन ऑन एसिलोफिनक बट नो एक्शन हैज बिन टेकन सो फार तो देखो इसलिए न्यूज़ है एसिलोफिनक थोड़ा अच्छे से देख लो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है इतना भी याद रखा तो मुझे लगता है सफिशेंट ठीक है यस नेक्स्ट है एडप्शन गैप रिपोर्ट किसका होगा गैप मतलब कौन है फास्ट गैप मतलब कौन आएगा ऑब्वियसली यू तो का रिपोर्ट है यस yes, यू का एडप्शन गैप रिपोर्ट ग्लोबल एफर्ट्स इन एडप्शन वही मैंने बताया कि है ना तो हम कितना गैप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एंटिसिपेटेड टारगेट्स है वो और कि, जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं वो कितने गैप से तो उन्होंने कहा है कि एडप्शन फाइनेंस फ्लोज आर फाइव टू टाइम फाइव टू टेन टाइम्स लोअर मतलब जो एडॉप्शन करने के लिए हमें फंड चाहिए एडप्शन फंड जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है उससे लड़ने के लिए जो हमें फ़ंड चाहिए तो वो उसमें और हमारे एफर्ट्स में कितना फाइव टू तो टेन टाइम्स का एक गैप देखा गया है ठीक है एनी बाकी तो ठीक है मतलब एडापशन गैप रिपोर्ट किसका फंड है या किसका इनिशिएटिव है बस उतना याद रखो यूनिपी का है एंड बाकी इंडिया में भी ऐसा कुछ एडाप्शन फंड्स वगैरह आते हैं हंड्रेड करोड़ का हमने कुछ लॉन्च किया था बजटरी प्रोविजन ठीक है अब इसमें ज़्यादा डिटेल मत जाओ उतना ही रहने दो एडॉप्शन गैप रिपोर्ट टू लिटल टू स्लो एडोपन गैप रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो ऐसे कुछ उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था इस पर कि यूनिपी ने कहा था कि आप जो भी एडापशन फंड देना चाहते हो लोगों को लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज नॉन डेवलप कंट्रीज को तो वो आपका बहुत कम है मतलब बेसिकली डेवलप कंट्रीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ना डेवलप कंट्रीज को ठीक है ये पता है सबको इस पर यूपीएससी का मीन्स का क्वेश्चन भी आया था दो वाला पता है 2021 ट्वेंटी वन

यूके भी सपोर्ट कर रहा है और जिसमें हम सोलार या रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ा के उसमें ग्रिड्स क्रिएट करेंगे और नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हम इसको इस ग्रिड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे क्लीन एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी यस yes, तो ये कहाँ पे हुआ था ग्लासगो में राइट ग्लासगो स्कॉटलैंड में या यूके भी बोल दो तो भी चलेगा सो so, वहाँ पे ये मीटिंग हुआ था तो ग्रीन ग्रेड इनिशिएटिव वाज अनाउंस एट कॉप ट्वेंटी सिक्स है ना ये वैसे तो पुराना है बट मुझे लगता है आज भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में था बट यूपीएससी ने 2021 में पूछा जो कि हमारी कंसेप्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 के पेरिस मीटिंग में आई थी राइट और इसी का एक अपडेटेड वर्जन हम बोल सकते हैं वन सन डिक्लेरेशन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड ग्रीन ग्रेड इनिशियेटिव राइट तो सोलर पे फोकस करेगी या बाकी अदर एनर्जी पर बट रिन्यूएबल एनर्जी ओके जो जिसका हम ग्रीड वगैरह क्रिएट करेंगे चलो नेक्स्ट थोड़ा एग्रीकल्चर पे आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सो so, आंध्र रीजॉइंस आफ्टर ऑन टू फाइव अदर स्टेट ऐसा कुछ चल रहा था तो देख लेना फसल बीमा पता है ना सबको कि जिसमें हम इंश्योरेंस निकालेंगे ओके okay? तो उसके रिलेटेड ये देख लेना फसल बीमा योजना आता है एंड uh, है ना तो यहां पे देखो दिस इन 2020 द गवर्नमेंट रिवैम्प्ड द फसल बीमा योजना बाय रिस्ट्रिक्टिंग प्रीमियम सब्सिडी ऑफ फ्लैगशिप इंश्योरेंस अप टू थर्टी परसेंट ऑफ अन इरीगेटेड एरियाज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इरीगेटेड एरियाज ओके ऐसे अलग अलग फसल के बीमा योजना जो है तो दिया जाता है इट इज़ अगेंस्ट ऑल नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क फ्रॉम प्री स्वइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट हाँ अब बस इतना की वर्ड याद रख लो नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क फ्रॉम प्री स्वइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट जिसमें इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा स्टेबलाइज इनकम ऑफ फार्मर्स फ्लो एंड क्रेडिट वगैरह है ना ये सारा वहाँ पे दिया जाएगा क्योंकि जिससे नुकसान ना हो जैसे हम इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं कि जिससे जो भी लॉसेस से हम एटलीस्ट रिकवर कर पाए जैसे एक्सीडेंट हो गया ना इंश्योरेंस से अपना तो फिर ना एटलीस्ट हम इंश्योरेंस की अमाउंट की वजह से वो अपना जो खर्चा है वो शायद कम हो सकता है तो वही होता है इसमें ओके तो जिसमें देखो फार्मर्स हैव टू पे मैक्सिमम पॉइंट टू परसेंट ऑफ टोटल प्रीमियम मतलब बहुत ही कम प्रीमियम में आपको एक इंश्योरेंस मिल रहा है ना मतलब गारंटी मिल रही है कि हाँ ठीक है मतलब कुछ लॉस हो गया तो भी रिकवर किया जाएगा तो प्लीज़ इस स्कीम को अच्छे से देख लेना अन्नदाता का साथ फसल की सुरक्षा है ना फसल बीमा योजना चलो नेक्स्ट है सी अभी हम देख रहे थे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैंने दिखाया था तो देखो इन्होंने डायरेक्शन दिए थे एयर क्वालिटी पैनल बैंस यूज ऑफ कोल इन दिल्ली एनसीआर सी एक जून से दो से ये पूरा बैन कर रहे थे कोल का यूज दिल्ली एनसीआर में तो ये डायरेक्शन किसने दिए सी ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है क्योंकि देखो इसमें हमने देखा ना दिस दिस ईपीसीए हैड बीन एड टू मेक वे फॉर द कमीशन तो ईपीसीए पी होके ये बना है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना द कमीशन वॉज फर्स्ट फॉर्म बाय ऑर्डीनेंस बट नाउ ये एक एक्ट के अंदर आता है और ये स्टैटूटरी बॉडी है याद रखे ये स्टैटूटरी अथॉरिटी है देखो जो कि पहले ई पी सी ए जो था एन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ दिल्ली के लिए काम करता था और दिल्ली एनसीआर जहाँ पे पोलूशन बढ़ा तो ग्रैप एक्टिवेट करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप लेंगे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बट अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि दिल्ली ही क्यों रिस्पॉसिबल है सिर्फ पंजाब भी तो है हरियाणा भी तो है वो भी तो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं और भुगत दिल्ली वाले रहे है, है ना तो ऐसा नहीं चलेगा पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान इनको भी इंक्लूड किया सो so दैट उनके रिलेटेड भी ये कमीशन स्टेप ले पाए पोल्यूशन कम करने के लिए इट तो यही एक 2021 पार्लियामेंट अप्रूव्ड द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडज्इनिंग एरिया बिल तो वो बिल भी इन्होंने पब्लिश किया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा है ना याद रखे सी ए क्यू एम गलती से भी मत भूलना ठीक है चलो बाकी कम्पोजिशन में एज सच बहुत कोई ऐसे मतलब पॉलिटिकल कोई लोग है नहीं यहाँ पे सभी सेक्रेटरी मतलब जो एयर पोल्यूशन रिलेटेड जिनको नॉलेज है वही लोग है इसलिए ज़्यादा इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं सीपीसीबी इसरो वगैरह ऐसे लोग यहाँ पे रहेंगे ठीक है।, है बाकी फंक्शन उनका क्या है काम क्या है कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी स्टेप्स है वो लेना डिफरेंट कंप्लेंट्स होगी उस पर काम करना डिफरेंट पैरामीटर सेट करना पोल्यूशन रिलेटेड एंड जो भी वॉयलेट करेंगे उस पर एक्शन लेना ओके बस ये सारी चीज़ें याद रख ठीक है देन आफ्टर दैट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पता है सबको जिसमें इंडिया सबसे लास्ट है मतलब बॉटम पे ही डायरेक्टली ठीक है, है? मानते कि इंडिया ने इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया बट uh, सबसे बॉटम पे देखा गया है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को इंडिया रैंक द लोवेस्ट डायरेक्ट मतलब बॉटम ही 180 पे ही डायरेक्टली जिसमें कुछ ग्यारह कैटेगरीज मतलब वैसे फोर्टी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कैटेगरीज जिसमें हम सबसे बॉटम पे दिखे गए हैं ओके okay? तो जिसमें देखो आप लिटरली मतलब इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे है ये काफ़ी हाँ ये नहीं मानते बट ऐसा नहीं होगा है ना ये एक रिनोन रिपोर्ट है इंडिया ने यह रिजेक्ट किया ये सारी चीज़ों को बट ठीक है मतलब हमें पता होना चाहिए है ना यूपीएससी मानती इन चीज़ों को यूपीएससी पूछ लेगी क्योंकि यूपीएससी कैसे पॉजिटिव चीज़ों को नहीं पूछती वो जो भी रहेगा चीजें बाकी भी चीज़ों पे फोकस रहेगा एनी तो इनमें देखो बायोडा प्रोटेक्टेड एरियाज एयर क्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स तो सभी इंडिकेटर्स में जाने की जरूरत नहीं है बट आप थोड़ा सा अंदाजा ले लो कि ये रिपोर्ट्स अगर आप देखो तो लगभग सभी रिपोर्ट्स में इंडिया को थोड़ा बॉटम पे रखा है बस थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट में वन फिफ्टी के अराउंड है बट बाकी तो सभी लगभग वन सेवेंटी के आसपास ही दिख रहे हैं हमारे मतलब लोएस्ट रैंक दिख रहे हैं जबकि इंडिया तो बायोडासी रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारे पाँच सौ प्लस सेंचुरीज़ है टाइगर तो हमने पूरी दुनिया के बढ़ा के रखे हैं राइट है। वर्ल्ड का सेवेंटी फाइव एट्टी परसेंट ऑफ टाइगर्स हमारे पास है तो इसलिए हमने ये रिजेक्ट किया कि इतना भी वर्स्ट सिचुएशन नहीं है इंडिया में वी आर डूइंग वेल इन द बायोडासी कंजर्वेशन एक्सेट्रा राइट तो ये ए जो है तो याद रखें Uh, ये जो बाइनियल इंडेक्स है मतलब दो साल में एक बार निकाला जाता है बाइनियल मतलब वंस इन अ टू ईयर क्योंकि तो दो हज़ार दो से स्टार्ट हुआ था एंड ये इंडेक्स निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा याद रखोगे ई कौन निकालता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस और भी है येल यूनिवर्सिटी एंड दिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी राइट सो येल प्लस कोलंबिया यूनिवर्सिटी फ्टर दैट यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इन्फॉर्मेशन ऐसे और एक नेटवर्क आता है वो भी इसमें रहेगा ठीक है एनी वेज बट इतने तीन याद रखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर ईपीआई निकालते हैं दो साल में एक बार ठीक है और इसमें हमारी हालत जो है वो काफी खराब बताई गई ठीक है और इसमें जीरो टू हंड्रेड का रेटिंग होता है जीरो मतलब वर्स्ट एंड हंड्रेड मतलब बेस्ट की तरफ ठीक है चलो बाकी तो मुझे लगता है इतना सफिशेंट है आ, पचास साल कंप्लीट हो चुके हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को जानते हैं ना सभी 1972 जो पाँच जून को मीटिंग हुआ था इवन इंदिरा गांधी इन्होंने भी ये अटेंड किया था इसका नाम टाइटल था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एन्वायरमेंट ऑल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हमने देखा ना अभी यू का फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसका हेडकोर्टर नेहरू भी में आता है राइट तो उसको पचास साल हो चुके तो मुझे लगता है ना वो थोड़ा सा देख लेना एक बार बाकी तो ठीक है फर्स्ट प्रपोज बाय स्वीडन दिस आइडिया एंड दैट्स इट इज कॉल्ड टम एज स्वीडिश इनिशिएटिव ऑल्सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस राइट इसको और एक नाम से जाना जाता है स्वीडिश इनिशिएटिव वैसे भी स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन ओके ठीक है क्लियर है यहाँ तक स्टॉकहोम होम कॉन्फ्रेंस बाकी तो बस इसमें पाँच जून को मीटिंग हुई थी एंड तब की थीम थी ओनली वन अर्थ etc. ठीक है देन आफ्टर दैट काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसको अटेंड किया था इंडिया ऑल्सो वस्तैर देयर बाकी ठीक है बाकी ज़्यादा डिटेल में जाओ बस इतना याद रखो, ठीक है एनी क्वेश्चन अप टू दिस और यूएनपी के अंडर ही बाकी ये सारी चीज़ें जो है तो यू एन वगैरह सब कुछ देखोगे 1992 का अर्थ समिट भी यू ने ही अरेंज किया था राइट तो वो देख लेना एक बार नेक्स्ट जल जीवन मिशन पता है सबको रिसेंटली द सेंटर अनाउंस डेट ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड एक्सेस टू टैप वाटर सप्लाई ओके तो इसका टारगेट क्या है जरा बताओ जल जीवन मिशन इज ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स एंड एम्पावरिंग वुमेन रूरल वुमेन नो लॉन्गर देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्निटी etc 50% of ऑफ रूरल हाउस होल्ड कनेक्टेड विद द टैप वाटर कनेक्शन ये 2019 में हमने लॉन्च किया था इस पर मेन्स का भी क्वेश्चन आया था ट्वेंटी ट्वेंटी का यूपीएससी मेन्स का जल जीवन मिशन इसमें 55 फाइव लीटर फिफ्टी फाइव लीटर पर पर्सन पर डे हम दे रहे हैं है ना? एंड टू एवरी रूरल हाउस होल्ड तो एवरी रूरल हाउस होल्ड को एवरी रूरल हाउस होल्ड को हम दो हजार चौबीस तक मतलब नेक्स्ट ईयर तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे ऐसा हमने 2019 में कुछ टारगेट रखा था 55 लीटर पर पर्सन पर डे टैप वाटर नल का पानी राइट हर घर नल से जल है ना ऐसा भी उसका थीम आपने देखा होगा राइट और ये किसके अंडर आता है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर ठीक है बाकी तो ठीक है बाकी फिलहाल के लिए इतना ही देख लो बजट में भी कुछ अलोकेशन किए थे एंड इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर सिक्स जो क्लीन सेफ एंड क्लीन वाटर टू ऑल है ना ये एस गोल नंबर सिक्स भी हम कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे हैं ओके okay? चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अमृत सरोवर मिशन पता है सबको एन एच ए आई टू यूज द सॉइल एंड एक्साइटेड ऐसे कुछ आया था अमृत सरोवर मिशन क्या है तो दिस मिशन लॉन्च लास्ट ईयर 2022 में जिसमें हमने एम किया था डेवलपिंग रिज्यटिंग 75 फाइव वाटर बॉडीज इच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का महोत्सव राइट तो क्या है फिर अमृत सरोवर मिशन इसमें हमने और एक दिखा था देखो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए अमृत धरोहर नाम से भी था एक ना अमृत धरो ऑल्सो तो वो भी थोड़ा देख लेना एक बार अमृत धरोहर मिशन है ना तो ये सारे सेवेंटी फाइव हम अमृत महोत्सव के इसमें हम अमृत सरोवर है ना प्रोजेक्ट मतलब ये अमृत सरोवर मिशन हमने लॉन्च किया है बस इतना याद रखो जो वेटलैंड के रिलेटेड है वेटलैंड्स हम बढ़ाएंगे इसमें कुछ ठीक है चलो बस इतना देख लो बाकी हाईलाइट ही देख लेना ज़्यादा डिटेल ले, ले, जाने की जरूरत नहीं सागरमाला प्रोजेक्ट पता है सबको क्या है सागरमाला सागरमाला वो काफ़ी पुराना प्रोग्राम है कि अराउंड 2014-15 से वर्क कर रहा है एंड जिसमें हम पोर्टलेट डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं ऑलमोस्ट इंडिया की सात हज़ार पाँच सौ के आसपास जो भी कोस्ट लाइन है तो उस पूरे कोस्ट लाइन पर हम क्या करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को डेवलप करने में एग्जिस्टिंग पोर्ट को हम रिनोवेट करेंगे उनमें कनेक्शनस बढ़ाएंगे और न्यू पोर्ट भी एस्टैब्लिश करेंगे स्मॉल लार्ज सभी पोर्ट और जिससे हमारा नेविगेशन बढ़े हमारा ट्रेड रूट बढ़े या सी रूट हमारा एनहांस हो पाए एंड जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो पाए बिकॉज यू नो दैट कि सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द वाटर ट्रांसपोर्टेशन राइट मतलब सी रूट्स सो दैट्स वाई हम इस पर फोकस कर रहे हैं जिसमें जॉब्स वगैरह भी काफी सारे क्रिएशन होंगे मतलब जिसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन होगा न्यू पोर्ट डेवलपमेंट पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा जिसमें वहां की जो कम्युनिटी उनको भी फिशरीज वगैरह बूस्ट करने के लिए मदद होगी और उनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया तो वो ज़्यादा फिशिंग कर सकते हैं राइट वहां से फिर एक्सपोर्ट भी बन सकता है एक्सेट्रा नहीं तो क्या होता है कि वो फिर एक दिन के लिए जितना मतलब फिश दो तीन दिन ही ज़्यादा पेरिशेबल में आती है तो उतना ही वो प्रोड्यूस करते हैं बट अभी अगर कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल करके दिए तो शायद वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना इंडिया में मतलब बेस्ट ब्लू इकोनॉमी भी बूस्ट हो सकती है गॉट इट एंड कोस्टल शिपिंग एंड इंडिया वाटर बेस्ट ट्रांसपोर्ट है ना ये भी इसके कुछ पिलर्स हैं सागरमाला प्रोग्राम के पिलर्स हैं तो वो पिलर्स प्लीज आप देख लो कुछ ये पांच पिलर्स है सागरमाला प्रोजेक्ट केम कन्वेंशन चलो अभी हमने देखा वो अलग था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन में फर्क है तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट तो ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटन एनवायरनमेंट में हमने देखा था ना पीओपी रिलेटेड राइट तो पीओपी रिलेटेड आता है देखो दो के आसपास हमने ये इन्फोर्स किया था मतलब तो, under this this is under definitely UNEP under and uh, this is persistent organic pollutant मतलब जो हमारे health के लिए सबसे ज्यादा damage कर सकते हैं ऐसे pollutant और जो हमारे body में या even all living things के body में ज्यादा time के लिए persist कर सकते हैं उसको हम कहते हैं persistent organic pollutant ठीक है तो ऐसे जो persistent organic pollutant हैं उससे पूरी ecosystem damage हो सकती है तो उसके रिलेटेड ये मीटिंग था और उसमें उन्होंने कहा है कि पाँच ऑर्गेनिक पोलूटेंट पे कुछ हमें पी ओ पी पे हमें कुछ एक फाइनल कॉल लेना चाहिए वैसे तो डर्टी डजन नाम से आप जानते हो गए डर्टी डजन डर्टी डजन मतलब क्या बारह ऐसे पी ओ पी है कि जो सबसे डेंजरस है है ना बारह पी ओ पी तो वो जरूर देखें तो वो कम करने के लिए मतलब चली रहे थे एफर्ट्स दैट रिमेंस इंटैक्ट इन द एन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड बिकम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस एक्ूमेलेट इन द फैटिट इश्यू मतलब ये यूरिन से बाहर नहीं निकलता है वो फैटेट इश्यू के द्वारा आपके बॉडी में वैसे ही सैचुरेट रहता है तो उनको हम कहते हैं पी ओ पी एंड दिस कैन कॉज डैमेज वेर एवर द ट्रैवल मतलब ओवरऑल इको सिस्टम को डैमेज करेंगे तो उसके रिलेटेड ये स्टॉक होम कन्वेंशन आता है याद रखें राइट right? तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग पोलुटेंटे क्लोरोडेसिन है ना हेग्जा ब्लोरो पर देख लो बायफिनाइल एंड uh, हेग्जा ब्रोमो डाईफिनाइल इथर देन हेप्टा ब्रोमोफिनाइल इथर ऐसे अलग अलग है बट मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप गूगल कर लो स्टॉक के इसमें ये मैंने मेन क्लासेस में जिनको जिनको पढ़ा है आपको डर्टी डजन के मैंने पूरी लिस्ट दी है जिन्होंने एनवायरमेंट की बैच की है देन ओ दैट मैंने पूरी बारह की वो लिस्ट दी है आपको ऑटेट तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना करोगे इतना काम या फिर गूगल सर्च कर लो अगर आपने लेक्चर नहीं किया तो आप गूगल पर सर्च कर ले एनीवेज नेक्स्ट है स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 अब मतलब एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हैट्रिक से डबल हैट्रिक हो चुकी है अब इंदौर की पता है ना डबल हैट्रिक इंदौर की हो चुकी है मतलब सिक्स टाइम इट इज कंजिटिव कंजिकटिव ईयर कि जब इंदौर क्लीनेस्ट सिटी बना है इंडिया का एंड इवन स्टेट्स में देखा जाए तो एमपी फर्स्ट है तो काफी अच्छा एमपी ने काम किया है रिलेटेड टू स्वच्छता ओके क्लीनलीनेस एंड इंदौर फर्दर इमेज एज द फर्स्ट सेवन स्टार मतलब ये अभी तक फाइव स्टार पे हम सब थे बट अभी ये फर्स्ट सेवन स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन चुकी है इंडिया की वाइल सूरत भोपाल मैसूर नवी मुंबई एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है तिरुपति वो फाइव स्टार में आते हैं मतलब यहाँ पे ओनली सेवन स्टार में अगर आप देखोगे तो वो कौन दिख रहा है आपको इंदौर एंड अर्बन अफेयर्स तो क्लीनेस्ट सिटी याद रहेगी सबको वन लैख प्लस पॉपुलेशन देखोगे इंदौर है द सिटी ऑफ द लेक्स एंड पैलेसेस वॉकड अवे विद द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल एंड वेल द सूरत एडजस्ट विद द सेकेंड क्लीनेस सूरत यहाँ पे आएगी सेकेंड गुजरात में सेकेंड uh, मतलब सेकेंड में आना ऐसे दो बार हो चुका है नवी मुंबई इज द ऑन द थर्ड स्पॉट एंड लेस देन वन लाख पॉपुलेशन में देखोगे तो पंचगणी एंड कराड़ ऑफ महाराष्ट्र तो ये दोनों भी फर्स्ट प्लेस पे पंचगणी ठीक है क्लियर है एंड बेस्ट गंगा टाउन देखो मतलब गंगा के बेसिस में सबसे क्लीन अगर कोई दिखा जाए तो दैट इज हरिद्वार हरिद्वार पता है ना सबको कहाँ पे आता है उत्तराखंड में फ्रॉम वेयर गंगा एंटेस्ट टू द प्लेस दैट हरिद्वार राइट एंड फास्ट मूवर सिटी अवार्ड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को मिला है इन कर्नाटका ये कहाँ पे आता है शिम, मतलब शिमोगा के बारे में क्या बता सकते हो कुछ यहाँ पे हमने देखा ना अगुम्बे इट इज द हाइस्ट रेनफॉल लोकेशन ऑन वेस्टर्न घाट मतलब सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है अगुम्बे में एंड अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल हमने देखा था अगुबे में है ना तो ये अगुम्बे जो आता है वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है राइट right? एंड इवन शरावती रिवर वगैरह भी यहाँ से कुछ फ्लोते हैं बाकी क्लीनेस्ट स्टेट में सबसे पहला कौन सा है एम पी है क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड आएगा छत्तीसगढ़ ठीक एंड स्टेट विथ लेस देन हंड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज में उसमें त्रिपुरा सबसे बेस्ट है ठीक है फिर झारखंड वगैरह ये सारे आ जाएंगे तो याद रखोगे फिर क्या क्या डेटास है एंड बॉटम में भी देख लो जरा इंदौर फर्स्ट आएगा यहाँ पे सूरत गुजरात नवी मुंबई विशाखापट्टनम विजयवाड़ा एंड सबसे बॉटम पे देख लो आगरा है ना आगरा आ रहा है देखो हंड्रेड नंबर पे, दिख रहा है सबको फिर वापी नाम से गुजरात में आता है दमोह नाम से एमपी में आता है रेवा एक आता है राइट ये सारे देख लेना एंड इंदौर इज इंडिया फर्स्ट सेवन स्टार गारबेज फ्री सिटी ये रहेगा इंदौर It. And फिर बाद में छोटे कम पॉपुलेशन में लेस देन हंड्रेड के पॉपुलेशन में देखोगे तो पंचगणी इज इन टॉप महाराष्ट्र आता है एंड फिर बॉटम में देखोगे इसमें तो है ना यहाँ पे गदरवारा एम में कुछ एक आता है वो सबसे बॉटम ठीक है नेक्स्ट लाइफ इनिशिएटिव चलो लास्ट इतनी न्यूज देखते हैं बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है मुझे लगता है हम स्पेशल क्लास में कवर करेंगे है ना काफी लंबा सेशन हो चुका है तो स्पेशल क्लास में कवर करेंगे जिसमें हम आ, यस बहुत सारी न्यूज़ है तो गलती से भी मिस मत करना ग्रीन कूलिंग सोल्यूशन इन इंडिया बाय 2040 कुछ चल रहा है वो हम देखेंगे फिर बजट वाले बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है एक बार एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर लो तो बेहतर रहेगा तो ये हम क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके उज्ज्वला स्कीम के बारे में कुछ था वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं फिर मिस्टी भी एक बार देख लो ये भी इम्पॉर्टेंट है मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम मिश्टी जो इस बार के बजट में हमने लॉन्च किया था जिसमें मैंग्रू बचाने के लिए मिष्टी प्रोग्राम है सेम वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट जो कि इंडोनेशिया एंड यू का इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया भी पार्ट है राइट right? ठीक है उसके बाद पीएम प्रणाम भी थोड़ा मुझे लगता है देख के जाना गलत मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा पीएम प्रणाम पीएम प्रणाम भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करें प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एमरिएशन ऑफ मदर अर्थ विल बिलॉन्स टू इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूटीज टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मतलब ऐसा नहीं कि हम इसमें कम्प्लीटली अपोज कर रहे हैं क्या मॉडर्न एग्रीकल्चर को नहीं तो यहाँ पर बैलेंस हम कर रहे हैं बैलेंस यूज ठीक है मतलब एकदम से हम सिर्फ ऑर्गेनिक पर ही जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है बैलेंस यूज मतलब, मतलब प्रॉपर एग्रो प्रैक्टिस है न ये हम थोड़ा यहाँ पे पीएम प्रणाम में प्रमोट कर रहे हैं ठीक है क्लियर है? है बाकी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मुझे लगता है दिखना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है उसके बाद भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेस सेंटर तो नेक्स्ट थ्री ईयर्स वी हैव हाँ फैसिलेट द वन करोड़ फार्मर्स टू तो नेचुरल फार्मिंग एंड टेन थाउजेंड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी हम यहाँ पे करने वाले हैं ठीक है फिर तो उसके बाद मुझे लगता है कि और एक इम्पॉर्टेंट होगा वो है वन हब वन स्टैंडर्ड वन नेशन ये हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे दैन अभी मिलेट में भी हम फोकस कर रहे हैं वो भी होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये स्कीम थोड़ा देख के जाओ ठीक है उसके बाद वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स है ना वो फिर से न्यूज़ में था हंगास्टोन मतलब ये यूरोप में कुछ न्यूज़ में था यूरोप में मतलब ऐसा एक पॉइंट कि जहां तक पानी कभी कम नहीं हुआ था अभी वो अगर ओपन हो चुका है मतलब वहां तक के पत्थर अगर देखने को मिल रहे हैं तो इतना पानी कम हो गया मतलब वर्स डॉट सिचुएशन वो शो कर रहे हैं देयर फॉर रिवर्स है इमरजेंस ऑफ द हंगर स्टोन मतलब वो एक स्टोन है कि वो दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड लेवल तक वाटर ड्रॉप हो चुका है तो उसके रिलेटेड हंगर स्टोन आता है ठीक है वो जरूर देखें जिया टैक फॉर मिथिला मखाना राइट मिथिला मतलब पता है ना कहाँ पे आता है This, मिथिला लोकेटेड वहाँ पे जिया टैग मिला है चलो फास्ट बताओ मिथिला कहाँ पे आता है इट्स yes, इन चलो जल्दी बताओ इतना टाइम क्यों लग रहा है बिहार वेरी नाइस nice. तो उसके बाद डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड लेवल पे एक क्वेश्चन मतलब एक न्यूज आई थी और बहुत डेंजरस उन्होंने सिचुएशन बताया कि इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ड्रॉप होते जा रहा है और ये सब एनालिसिस कौन करता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो कि लास्ट प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन था तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है हमारा तो वो ऐसे डेटास देता है और ये एक स्टैटूटरी बॉडी है अंडर यस स्विच एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर यही लास्ट ईयर क्वेश्चन था ओके तो मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स वगैरह उसके अंडर ही आएगा ये एंड बस याद रखे दिस सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ओके वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट द कंट्रीज बिंग लुक्ड आफ्टर बाय द सी डब्ल्यू सॉरी सेंट्रल ग्राउंड वॉटर ऑथॉरिटी राइट ओके हेडक्वार्टर आता है भूजल भवन फरीदाबाद हरियाणा okay. बाकी जल जीवन मिशन हमने देखा याद है सबको फिफ्टी लीटर पर पर्सन पर डे राइट फिफ्टी लीटर पर पर्सन पर डे हमें दो हजार चौबीस तक है ना यह सभी रूरल हाउस होल्ड को हर घर जल पहुंचाना है बट कौन सा ये मिन, मतलब मिनिस्ट्री तो जल सकती है बट हम किस एरिया पे टारगेट करें रूरल हाँ रूरल इंडिया पे ओके रूरल इंडिया याद रखिए तो 55 लीटर पर पर्सन पर डे वो फैक्ट गलती से भी मत भूलना देन सी डी आप जानते हो ये भी इंडिया की कॉन्सेप्ट है क्वाल फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो डिजास्टर रिलेटेड इस है ना एक इनिशिएटिव है और जो हमने यूएन क्लाइमेटिक समिट हुआ था वहां पे हमने लॉन्च किया था हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर इन्होंने एक पेंशन किया था सी डी आर आई नाम से इनिशियटिव इट वॉज लॉन्च इन इन द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट सी डी आर आई याद रखे जो डिजास्टर रेजिलियंस के रिलेटेड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो एक दूसरे के साथ कोलेबरेट करके हम बनाएंगे इसमें उसी तो के अंडर एक ईरिस भी आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियट इंफ्रास्ट्रक्चर ओके मतलब सी डी आर आई तो है ही सॉरी बट ये देख लेना आप डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसके रिलेटेड अलग अलग मीटिंग भी हुए थे ठीक है क्लियर यहाँ तक बाकी रिसेंटली साइक्लोन आसानी आया था वो थोड़ा देख के जाना साइक्लोन सितरंगे का आया था वो देखना पोस्ट मानसून में एंड देखो तो ये उड़ीसा में वगैरह हिट हुआ था राइट तो साइक्लोन सितरंग इज थर्टी फाइव इन बांग्लादेश ठीक है वो सितरंग देख के जाना बस साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है उसके आ, मतलब ओवरऑल क्या है वो जोग्राफी में जरूर देखना बाकी ये क्या था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया सेवन लेक्चर कॉप ट्वेंटी सेवन का एक आउटकम इंटरनेशनल डॉट रेजिलियंस अलायंस है ना ऐसा पहला डॉट के रिलेटेड अलायंस क्रिएट किया है स्पेन एंड सेनेगल ने ठीक है अभी तक इंडिया इसका पार्ट नहीं है जब भी होगा तब देखा जाएगा बट इंडिया को भी जरूरत है ऐसे अलायंस में जुड़ने की क्योंकि इंडिया में भी डॉट उतना ही यस प्रोमिनेंट होते जा रहा है ऑट इट यस तो आईडीआरए जरूर देखना इंटरनेशनल डॉट रेजिल्स अलायंस शमेल शेख 2022 की मीटिंग में ये स्पेन एंड सेनेगल का इनिशिएटिव है इट ओके okay. बाकी तो एफआरपी थोड़ा देख के जाओ है ना एफआरपी क्या होता है एम एस क्या होता है एमएसपी कौन से क्रॉप पे दिया जाता है अब ये सारी चीजें देखते रखना फिर शुगर किन अगर न्यूज़ में है तो शुगर किन को कैसा क्लाइमेट चाहिए ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर रेनफॉल और मोर देन दैट डीप रिच लोमी सॉइल चाहिए एंड इंडिया में टॉप शुगर किन प्रोड्यूसिंग में महाराष्ट्र फर्स्ट है सेकेंड यूपी एंड थर्ड कर्नाटक है ठीक है क्लियर और एफ भी थोड़ा सा देख लो बाकी आ, मुझे लगता है फिर अभी जो भी बच चुका है तो वो हम आगे के सेशंस में कुछ देखेंगे ओके okay, बाकी आप भी थोड़ा सा प्रिपेयर करो लगा तो मैं ये नोट्स भी आपको शेयर करूँगा और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आपका जो टेलीग्राम चैनल है है ना सुमितर नोट्स है ना तो वहाँ पर हम जो भी स्टूडेंट्स न्यू है तो वो बिल्कुल इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को एंड बाकी मैंने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यूज़ कवर करें अभी मैंने स्पीड बहुत रखा है अगर किसी को लगा होगा कि सर स्पीड बहुत हो गई तो सॉरी फॉर दैट बट ये मेरा टारगेट ये था कि आज हम आ, थोड़ा प्रीलियम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इसको ज़्यादा टारगेट कर रहे थे बट तभी भी मैंने एक स्पीड मेंटेन रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर करें बट डोंट वरी हम इसका और एक कवर स्पेशल क्लासेस में इसका कंटिन्यूशन रखेंगे जो भी बच चुका है उसका राइट तो ठीक है फिर मिलता है फिर एंड जिन्होंने अभी तक ये सेशंस नहीं देखे बिल्कुल देख ले प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पे ही ऑल पी वाई क्यूज ऑफ लास्ट वन ईयर करंट अफेयर्स रिविजन ऑन एग्रीकल्चर ऐसा एक वीडियो है ऑल टाइगर रिजर्व ऑल बायस रिजर्व ऑल एलिफेंट रिजर्व यह सभी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा इसी सेम यूट्यूब चैनल पर राइट right? इसके बाद ऑल सेवेंटी फाइव आर्मसोसाइड कवरेज ऑफ ऑल नेशनल पार्क स्टेट वाइज मैंने कवर किए हैं एंड सी बी डी पूरा जानकारी दी है एंड ओजोन डिप्लूशन रिलेटेड पूरा ओजोन का कवरेज लिया है अलग अलग एग्रीमेंट्स काफ्टर दैट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो आज हम पढ़ रहे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नया बिल आया है वो पूरा कवरेज लास्ट एन ईयर के पी भी मैंने इसी प्ले में आप जाके देखो तो मिल जाएगा आपको एंड ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये गलती से भी मत भूलना दैट नो एवरीथिंग अबाउट दिस वाला वीडियो ओके दिस टू वीडियोज इसमें मैंने पूरा 1992 से लेके 2021 तक पूरा कवरेज लिया है और 2022 मतलब ऑफ 27 उसका एक अलग वीडियो बनाए जिसके ऑल आउटकम्स बताए जैसे अभी हमने देखा लेडीट देखा या मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट फिर अभी हमने देखा इंटरनेशनल अलायंस है ना ये सारे आउटकम बिल्कुल जरूर देखे जाए ठीक है सो तो जिनकी भी प्रलियम्स है उनको बेस्ट ऑफ लक अच्छा करो बेस्ट करो और कुछ भी अगर लगता है तो मुझे जरूर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे भी आप अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू